Hi everyone, good afternoon. Welcome to Unacademy. Can you all see me properly? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? Yes. Hi guys, hi. How are you? Good afternoon, बच्चों. Welcome to Unacademy and this is your biology educator. है ना, नाम तो बच्चों को पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. देखो बेटा, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड मुझे 9 से 10 साल हो चुके हैं नीट कैटेगरी में पढ़ाते हुए. एंड इस साल बेटा 2023 में आपका नंबर आ रहा है पढ़ने का, और मुझे ऐसा कमेंट से फील होता है कि यार आपको समझ आ रहा है, यू गाइज आर एंजॉइंग माई क्लासेस. एंड इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर 1 शॉट में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है ये. दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इन 1 शॉट. ठीक है, आज सच्ची में 1 शॉट होगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है. इसमें बेसिक चीजें अपने को क्या करनी है, लर्न करनी है. बेसिकली ये जो चैप्टर है ये समझने से ज्यादा लर्न करने वाला है. बहुत सारे डेटा है इसमें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. इतने स्पीशीज है, इतने एक्सटिंक्ट हो गए, सबसे ज्यादा इसके हैं, दूसरे नंबर पे इसके हैं. हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों है यार? आज की क्लास के बाद आपको प्राउड फीलिंग आने वाली है कि आप इंडिया का हिस्सा है. जनरली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी हैं, उनको बड़ा शौक होता है कि यार बाहर जाएंगे, बाहर जाके रहेंगे, बाहर ये अच्छा है, वो अच्छा है, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे. बट बेटा आज की क्लास लगाने के बाद आपको सच में फील हो जाएगा कि यार अपने को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एंड आने वाले 10 सालों में तो बेटा इकोनॉमी वाइज भी हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन पर होने वाले हैं. ठीक है जी. यस, तो कोई भी बच्चा जो इस समय जो पहले फास्ट ट्रैक कोर्स देख रहा था, इस थंबनेल को, कलर को देख के घबराना नहीं. अरे मैम ये हरे रंग का थंबनेल नहीं है. बेटा टीम कई बार ही पुराना भी बना देती है, टेम्पलेट होते हैं, बना दिया उन्होंने. तो ये सेशन नया ही है, इट इज नॉट अ रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि ये समर्थ का थंबनेल था. आई नो आपको याद होगा. जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे नए हैं, वो घबराए ना. इसको मैं चेंज करा के ग्रीन कलर का करा दूंगी. देखो पैकेट चेंज हो सकता है, पैकेजिंग चेंज हो सकती है. कभी हम सिल्वर रैप में पैक करके भेजते हैं, कभी हम ब्लैक में भेजते हैं, लेकिन अंदर जो माल निकलेगा, अंदर जो आपको चीज मिलेगी वो प्योर होगी, ऑथेंटिक होगी. चाहे हरे रंग का पैकेट लगाओ, चाहे काले रंग का पैकेट लगाओ, तो उसको देख के आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है. दिस इज अ लाइव क्लास, वेरी मच लाइव क्लास. आज है 8 फरवरी, मैं बता भी देती हूँ, इसी वजह से लाइव क्लास है और लाइव क्लास को ही अटेंड करना है. देखिए आज ये जो चैप्टर है ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये आसान भी नहीं है. इस चैप्टर में से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. कितने? 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 से 12 नंबर का ये चैप्टर है. इस चैप्टर को सिर्फ याद ही करना है अपने को, लेकिन अगर अपने लोग साथ में समझ के याद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. जनरली बच्चे बोलते हैं बड़ा बोरिंग चैप्टर है, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, बड़ा जनरल्स है. बेटा इसमें क्वेश्चन भी जनरल सा ही आएगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है यार. बड़ी बड़ी चीजें करते रह जाओगे, जेनेटिक्स के एक्स्ट्रा चीजें करते रह जाओगे, लेकिन जो चीज बुक में से आनी है, जो हमें 100% पता है कि यार ये तो किताब में से आना है, किताब से बाहर नहीं हो सकता, तो जो चीज यार 100% बुक में से आनी है उसको तो कम से कम हम पक्का कर लें. एक्स्ट्रा तो यार एक सेपरेट चीज होती है, बट जो 100% है कि यार यही आएगा तो उसको यार पक्का कर लो आज मेरे साथ. तो आज आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, दिखाऊं? सबसे पहली चीज क्या करनी है आज, चाहे रोज डे हो, आज चाहे चॉकलेट डे हो, कुछ हो, चॉकलेट नहीं लेके आनी है, गुलाब नहीं लेके आना, आज आपको ये लेके आनी है. आज सब बच्चे, जनरली मैं एनसीईआरटी मंगवाती नहीं हूं, बट मैं आज आपसे एनसीईआरटी मंगवा रही हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन नहीं आती है, ना ही आएगी. लेकिन इसकी एनसीईआरटी को अच्छे से समझना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है. कई बारी वो ट्रिकी हो जाता है, कई बारी ना हम मिस कर देते हैं. लिखा तो होता है, जनरल से लाइन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन हम सोचते नहीं है कि इसमें से क्या क्या सवाल बन सकते हैं. तो आज यार पैरावाइज अपने एनसीईआरटी को लेंगे और देखेंगे कि इसमें से क्या क्या सवाल बन सकते हैं. ठीक है, जनरल बातें हैं बट सवाल भी बन सकते हैं इसमें से. ओके जी, ये 11th की तो नहीं थी, ये 12th की थी ना? हाँ 12th की तो है यार, 11th की क्यों कह रहे हो? 12th की एनसीईआरटी लेके आओगे यार? कैसे कई बार डम वाली बातें करते हो, बिल्कुल डम वाली बातें करने लग जाते हैं. मैम 11th की एनसीईआरटी लाना, भैया चैप्टर 12th का है तो 12th की एनसीईआरटी क्यों लाओ, 11th की क्यों लाओगे? 12th की लाओगे ना, बड़े हो गए हो यार, 3 महीने बचे पेपर में. ऐसी अजीब अजीब बातें मत किया करो क्लास में आके. ओके, अब क्लास में आ ही गए हैं इतने सारे बच्चे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लास में आप अपनी अटेंडेंस लगा दें? अटेंडेंस लगा दो फटाफट से, लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए. यस, अटेंडेंस लगा दीजिए. आई एम लुकिंग एट द नंबर्स. हाँ, जितने नंबर बच्चे बैठे हैं उतनी अटेंडेंस मुझे दिखनी चाहिए, तभी क्लास जो है वो शुभ आरंभ होगा. ठीक है, शुभ आरंभ होगा. यस, तभी शुभ आरंभ होगा. अब देख लो तुम, हाँ जी यस लगा दी अटेंडेंस। दिख नहीं रही मुझे अटेंडेंस। ना 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 ऐसे नहीं चलेगा। देखो जितने बच्चे क्लास में आए हैं उतने मुझे अटेंडेंस दिखनी चाहिए, तभी हम इसका आगे आरंभ करेंगे, ठीक है। और आज का अवसर बड़ा पावन है। आज कौन सा दिन है? चॉकलेट डे मना रहे हो? कौन सा दिन मना रहे हो? हैं कौन सा दिन है? ठीक है, अगर आप चॉकलेट डे मना रहे हो तो मेरी तरफ से बेटा दुबई रिटर्न चॉकलेट्स, ठीक है, आप सबको ये लेना चाहिए ले लेना। बट आज अपने ने बायोडाइवर्सिटी डे मनाना है, जैसे बड़ी सारी चीजों के बारे में बात करने हैं। कितनी बायोडाइवर्सिटी थी, अब अपने पास कितनी रह गई है, बाद में कितनी रहेगी, ठीक है जी। आ जाइए आ जाइए। हैं कौन सा दिन है? ओहो आज तो गलत दिन हो गया, सॉरी सॉरी, आज चॉकलेट डे नहीं है। ओहो पता नहीं यार बेटा, मैं ये हफ्ता नहीं मनाती हूँ, आपको भी नहीं मनाना चाहिए, आपको नीट वीक बनाना चाहिए। दिस इज अ नीट वीक। मुझे लग रहा है मुझे वैलेंटाइन चैलेंज देना चाहिए आप सबको कि इस हफ्ते में क्या क्या पूरा करना है। मैं बता रही हूँ बेटा, उसी दिन मैं तुम्हें मॉर्फोलॉजी कराने वाली हूँ, उस पावन दिन को, ठीक है। कहीं जाने नहीं दूंगी कि घूमने जाना है इसके साथ जाना, ना ना, आके स्टेम रूट लीफ पत्ती के बारे में बातें करनी है मेरे साथ, ओके। यस चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसको हम क्यूरियोसिटी से भरा हुआ बना देंगे आज की क्लास में। आज जैसा बायोडाइवर्सिटी आप मेरे से सीखेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आज का सेशन आप क्लास के बीच में लर्न करके जाएंगे, और ये चैप्टर बाद में पढ़ना बेटा आफत आ जाएगी, मैं बता रही हूँ। इसको एनसीईआरटी से पढ़ने में बहुत आफत आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्ट्स, बहुत नंबर्स दिए हुए हैं आपको, और वो बच्चा लर्न नहीं कर पाता, और फिर बेटा वहां से उसको छोड़ के आगे बढ़ता है। उसको लगता है आसान है, इसमें से तो मैं कर ही लूंगा, बट बेटा ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है, लर्न करनी पड़ती है। तो आज का ये सेशन अगले डेढ़ घंटा, कितने 90 मिनट्स मुझे आपके अनइंटरप्टेड चाहिए। दूसरा, मैंने स्पेशल क्लास का लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है। आज जो है स्पेशल क्लास 5 बजे नहीं होगी, ये जो स्पेशल क्लास है कल होगी। क्यों कल होगी? क्योंकि आज की क्लास के समय आप सबका टेस्ट है, आप लोग क्रैश कोर्स का हिस्सा है, मुझे पता है 90% बच्चे क्रैश कोर्स का हिस्सा हैं जो भी बैठे हैं। तो उनका 3 से 6 बजे तक पहला टेस्ट है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 बजे क्लास नहीं रखी है, ये क्लास कल होगी, 5 बजे वाली कल होगी, ठीक है। तो इकोसिस्टम का टेस्ट आपका कल होने वाला है, ओके जी। चलिए शुरू करते हैं। यस, सो स्टार्टिंग विद बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इस टर्म का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब क्या है? बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी। ये कितनी सारी वैरायटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कम अंडर दिस बायोडाइवर्सिटी। तो यार बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? बायोडाइवर्सिटी होती है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंबाइंड डाइवर्सिटी। हर लेवल पे तुम देख लो, तुम चाहे बायोलॉजिकल यानी कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखो, सेल लेवल पे देखो, जीन लेवल पे देखो, इकोसिस्टम लेवल पे देखो, स्पीशी लेवल पर देखो। ये जो वैरायटी की बात करते हैं, कितने तरीके की स्पीशी हैं, कितने तरीके के जीन्स हैं, कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, कितने तरीके के आपके सेल्स हैं, ये सब टोटल सम टोटल ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस विल कम अंडर बायोडाइवर्सिटी। यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी। अभी हम काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी भी पढ़ेंगे। कंबाइंड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज बच्चों कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब यार ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये एक बंदे ने ना बड़ी पॉपुलर कर दी। यस, दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय, नॉट गिवन बाय। ये नहीं लिख के आना कि किसने दी थी, इसको ना पॉपुलर कर दिया था, इसको फैला दिया था इस टर्म को। किसने? एडवर्ड विल्सन ने। यस, एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन कौन थे? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। कौन थे? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस टर्म को क्या कर दिया था? फैला दिया था। क्या कर दिया था? फैला दिया था। यार अपने लोग यहाँ पर 3 मेजर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 मेन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 3 मेन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला लेवल है स्पीशी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखें एक स्पीशी के लेवल पर, जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है, चावल एक स्पीशी है, मैंगो एक स्पीशी है, ठीक है, डॉग एक स्पीशी है। स्पीशी लेवल पर बात करें तो यार वैरायटी जो हमें दिखती है वो जीन्स में दिखती है, वैरायटी जो हमें दिखती है अलील्स में दिखती है। जैसे मैं ह्यूमन हूँ, तुम ह्यूमन हो, ये पूरी की पूरी 2000 बच्चों की क्लास क्या है, ह्यूमन है। इस लेवल पे जो डाइवर्सिटी दिख रही है बच्चों, हमारे जीन्स अलग है ना, है तो अपने सब सेम स्पीशी के। तो यार ये जो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है इसको अपने लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यस, द फर्स्ट लेवल बच्चों इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, याद रखना है। इसमें एग्जाम्पलों पे सवाल आएगा बेटा, एग्जाम्पलों पे, एग्जाम्पल्स पर सवाल आएगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ वन स्पीशी। ठीक है, किस लेवल पर बात कर रहे हैं? एट द लेवल ऑफ वन स्पीशी। अब एक स्पीशी दूसरे उसके मेंबर से कैसे डिफरेंट है? मैं तुमसे, ये फालिका है, अंगद है, रवि है, आदित्य है, अक्षरा है, ऋतिका है, ये आपस में है तो एक ही स्पीशी, लेकिन ये आपस में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास अलग तरीके के जीन्स हैं। यानी कि ये जो डाइवर्सिटी है वो किस लेवल पर है? डाइवर्सिटी है ये किस लेवल पर है? एट जेनेटिक लेवल है, जेनेटिक लेवल, जीन्स के लेवल पर ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, जीन्स के लेवल का मतलब है यहाँ पर अपने अलील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तभी आपस में हम लोग डिफरेंट दिखते हैं। यस यस, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी। देखो स्पीशी यहाँ पर एक ही रहेगा, एक ही स्पीशी के अलग अलग तरीके के जीन्स हैं, अलील्स हैं, उस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को हम बोलते हैं जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसमें आपको 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसमें आपको एनसीईआरटी आपकी 3 एग्जांपल्स देती है। पहली जो एग्जांपल देती है वो राउवुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, एक प्लांट की एग्जांपल देती है। किसकी देती है? राउवुल्फिया, राउवुल्फिया वोमिटोरिया। दिस इज एफ बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप जो मुझे इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं मैम अपना F ठीक कर लो, U ठीक कर लो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। हाँ, बट हम जब एक फ्लो में लिखते हैं तो वो निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, फ्लो में चला जाता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा, यूज करूंगी। ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इसकी बहुत सारी वैरायटी है। देखो स्पीशी तो एक ही है, स्पीशी तो एक ही है। इस प्लांट को यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके अलग अलग वैरायटी में, एक ही स्पीशी की अलग अलग वैरायटी में अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रेजर पाइन निकलता है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रेजर पाइन निकलता है। तो ये क्यों यूज किया जाता है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। अब इस प्लांट में, एक ही स्पीशी में बहुत सारी वेराइटीज होंगी, अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग अलील्स हैं, इसमें अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रेजर पाइन है। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है अपने को? रेजर पाइन है। कुछ में ज्यादा रेजर पाइन निकलता है कुछ वेराइटीज में, और कुछ वेराइटीज में क्या होता है? कम रेजर पाइन निकलता है। यानी कि यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी आई कि नहीं आई? जीन्स में डाइवर्सिटी आ गई। ठीक है, कि अलग अलग जीन्स हैं सेम स्पीशी के, और क्वांटिटी ऑफ रेजर पाइन भी क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को एग्जाम्पल दी हुई है राइस की। राइस भी एक सिंगल स्पीशी है, एक ही सिंगल स्पीशी में जेनेटिक डाइवर्सिटी से बड़ी सारी आगे इसके स्ट्रेन्स आ गए, और हमने देखा कि 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस अवेलेबल है। तो ये जो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है वन स्पीशी लेवल पर है, इसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन अपने ने बात की मैंगो की। मैंगो में कितनी वैरायटी आती है? 1000, तकरीबन 1000 वैरायटीज हैं मैंगो की इंडिया में प्रेजेंट। तो याद हो गया, फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी। 3 एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, राउवुल्फिया का जिसमें से रेजर पाइन निकल रहा है अलग अलग क्वांटिटी में, देन राइस का 50,000, मैंगो का 1000। बेटा आज का अपना टास्क है, क्या टास्क है? कि जो आज मैम ने कराया है वो क्लास में ही लर्न करके जाना है। वो तभी पॉसिबल है अगर आप सबकी अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ मेरे पर हो। देखो चैट में बातें करने से, चैट में अपने आप को प्रपोजल्स भेजने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। तुम क्या हो? पीएम हो। मैंने कल भी बताया था, कल कब बताया था मेरे ख्याल से, मैंने पता नहीं स्पेशल में बताया था कि प्लस क्लास में बताया था, कि आपको अपने आप को किसी कंपनी का सीईओ समझना चाहिए जिससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगती है। इतना क्रूशियल है आपका टाइम। आप यहाँ पे बातें करके, आपस में एक दूसरे को रिझा के, मैसेजेस करके नहीं एक दूसरे से नहीं कुछ कर सकते हो जिंदगी में। अपने आप का टाइम इतना इंपॉर्टेंट कर दो कि यार किसी के साथ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सामने एनसीईआरटी, एक खाली पेज और आपका फोकस, पीपीएफ, पेन पेपर और फोकस लेकर यहां पर क्लास में बैठ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी जिसमें बेटा अपने वेरियस लेवल, स्पीशी डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशी। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इज स्पीशी डाइवर्सिटी। अब एक से ज्यादा स्पीशी ले लेंगे अपने, इसमें क्या कर लेंगे? डाइवर्सिटी एट बिटवीन डिफरेंट स्पीशी, दिस इज अ डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट स्पीशी, ठीक है, अलग अलग स्पीशी। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल है, आपको याद करना है एम्फीबियन का, किसका एग्जाम्पल याद करना है, एम्फीबियंस का। अब यार एम्फीबियन एक क्लास है, इस क्लास में क्या एक स्पीशी होगा, नहीं, बहुत सारे स्पीशी होंगे, यानी कि अलग अलग स्पीशी इकट्ठे आ गए, ठीक है, तो ये स्पीशी डाइवर्सिटी होगी। ये कह रहे हैं एम्फीबियंस की जो डाइवर्सिटी है वो साउथ में वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, है ना भैया। एम्फीबियन एक क्लास है, एक क्लास के अंदर बहुत सारा स्पीशी होगा, तो ये जो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है इसको बोलेंगे स्पीशी लेवल। क्वेश्चन कैसे आएगा कि द डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन इज मोर इन वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। बताओ ये कौन सा लेवल है, क्या ये जेनेटिक है, क्या ये स्पीशी है, क्या ये इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल लेवल है, तो तुम बोलोगे ये स्पीशी लेवल है, क्योंकि एक एम्फीबियन क्लास के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। स्पीशी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पीशी रिचनेस, एक होता है स्पीशी रिचनेस। रिचनेस का मतलब होता है कितना नंबर ऑफ स्पीशी है, यानी कि एम्फीबियन में स्पीशी 1, स्पीशी 2, स्पीशी 3, कितना नंबर है। देन आता है स्पीशी इवननेस, देन आता है बच्चों स्पीशी इवननेस। इवननेस का मतलब होता है कि एक ही टाइप का स्पीशी, मान लो S1 टाइप की स्पीशी के कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर है, बट आप लोग बस यहीं तक लिमिटेड रहिए। दैट इज अबाउट वेस्टर्न घाट्स द एग्जांपल। कई बार स्टेटमेंट उल्टी लिख देंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन एट ईस्टर्न घाट इज मोर देन वेस्टर्न घाट, तो तुम बोलोगे कतई गलत, बिल्कुल गलत, हम नहीं मानेंगे। डाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स में ही ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स में ही ज्यादा है, ठीक है जी। चलो, तीसरा लेवल ऑफ डाइवर्सिटी पूछा जाता है मास लेवल पे। अब और बड़ा लेवल कर लो, इसको अपने लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल लेवल। कौन सा है, इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल पर जो डाइवर्सिटी है, यानी कि कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे डाइवर्सिटी, यानी कि अपने बात किसकी कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं अलग अलग इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम लेवल की, ठीक है, इकोसिस्टम लेवल की। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में कितने तरीके का इकोसिस्टम है, इंडिया में कितना तरीके का इकोसिस्टम है भैया। इंडिया में डेजर्ट एरिया भी है, इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया भी है, इंडिया में थोड़ा सा आपका मैंग्रोव एरिया भी है, ठीक है, एल्पाइन एरिया भी है। तो यार इंडिया में जहां पर इतने सारे इकोसिस्टम हैं, इसकी ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। किससे, नॉर्वे से। किससे बच्चों, नॉर्वे से। नॉर्वे के बारे में जानते हैं, नॉर्वे इज अ वेरी कोल्ड रीजन, वहां पर 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात रहती है। वहां स्पेशल लोग, एक नॉर्दर्न लाइट्स का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, वो देखने जाते हैं, ठीक है। अब यार वो इतना ठंडा इलाका है, वहां पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन इतना नहीं है, बहुत ठंड रहती है, ठीक है, जिस वजह से वहां पर जो स्पीशी की रिचनेस है वो कम है, वहां पर जो स्पीशी की डाइवर्सिटी है वो कम है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि वहां इतना इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता जितना इकोसिस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी बच्चा एज कंपेयर टू नॉर्वे। तो 3 लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी आपको समझ आया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, अभी तक अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, मैं साथ साथ एनसीईआरटी दिखाती जाऊंगी बेटा। अभी तक हमने ये और ये वाले लेवल कर लिए हैं। नॉर्वे इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहाँ पर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है और वेराइटी भी क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे बेटा सवाल आएंगे, इससे आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। अब बायोडाइवर्सिटी का जो लिस्ट है वो कौन बनाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म बहुत बारी आ जाती है, बहुत बारी, एक बारी पेपर में आ चुकी है बेटा। IUCN 2004 ने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यस बेटा बताओ, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी। इसने बनाई है प्रॉपर लिस्ट, किसने, IUCN 2004। इसके अकॉर्डिंग बेटा कुछ ना डेटा देख लेते हैं, डेटा कहता है कि अपने पास जो बायोडाइवर्सिटी पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, ग्लोबल लेवल पर, बेटा डेटा पे बहुत फोकस करना। हर पैराग्राफ में, मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ में नया डेटा है, तो यार मैं आपको बताती जाऊंगी कि किस पैराग्राफ में क्या डेटा है। तो अभी जो अपने पैराग्राफ कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, यानी कि इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको पिक करनी है। ये 15.1.1 पैराग्राफ अपने कर रहे हैं। तो यार इसके डेटा के अकॉर्डिंग चलें तो यार जो बायोडाइवर्सिटी है, ध्यान देना, बायोडाइवर्सिटी पूरी पृथ्वी पर पता कितनी है, 1.5 मिलियन से ज्यादा अपने पास स्पीशी प्रेजेंट है, मोर देन 1.5 मिलियन। अब यार एक चीज तुमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, अगर बेटा आपको याद हो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, तो यार लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक वेराइटीज जितनी डिस्कवर हो चुकी है 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो बात तो एक है, वहां पर 1.7 टू 1.8 मिलियन था, यहां पर मोर देन 1.5 है। अब प्लीज कोई बच्चा ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, कहे मैम ऑप्शन में 1.5 भी दिया हुआ है, 1.7 भी दिया हुआ है, हम किसको टिक करेंगे। बेटा दोनों नहीं दिए होंगे, दोनों नहीं दिए होंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक ही दिया होगा, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तो ट्रॉपिकल रीजन में, अभी तो ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं विच आर स्टिल नॉट डिस्कवर्ड। बहुत सारे स्पीशीज हैं ट्रॉपिकल एरिया में विच आर येट नॉट डिस्कवर्ड, अभी इनकी डिस्कवरी तो हुई ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट है भैया, सबकी अलग अलग सोच है, कोई कहता है इतना होगा, दूसरा कहता है इतना होगा, तो सब साइंटिस्ट का हम सुन लेते हैं। तो कुछ बेटा साइंटिस्ट जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं वो कितने हैं, 20 से 50 मिलियन है। कितने हैं, 20 से 50 मिलियन। फिर एक स्पेशल साइंटिस्ट आए जिनका नाम भी दे दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मे, ठीक है। क्या नाम है, रॉबर्ट में। ये कहते हैं 20 से 50 मिलियन नहीं है, टोटल स्पीशी जो अपने पास प्रस्तुत है वो कितने हैं, 7 मिलियन है। क्या है बच्चों, 7 मिलियन है। तो ये जो 15.1.1 पैराग्राफ है उसमें यही आपका डेटा लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है मोर देन 1.5 मिलियन, फिर लिखा हुआ 20 से 50 मिलियन, फिर 7 मिलियन। और फिर बेटा यहाँ पर कह रहे हैं वही जो टेम्परेट और उसकी बात करी गई है कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो इक्वेटर के पास है कंट्रीज, उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, और ट्रॉपिकल रीजन में तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, ठीक है जी। तो ये पैरा में क्या क्या सवाल बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले पैरा पे, पैरा दर पैरा चलते रहेंगे और एनसीईआरटी को बिल्कुल अपने अंदर संभालेंगे अपने लोग, ठीक है जी। यस, अब कहते हैं कि जितने स्पीशी आज तक डिस्कवर हुए, out of total species discovered, everyone is with me? Yes बेटा, एक बारी बताना मुझे पोल में, मैं पोल जनरेट करती हूँ फटाफट से, एक बारी बताना। नहीं बेटा ये समर्थ बैच नहीं है, तुम लेट आए हो। क्या नाम है, मिस्टर केमिस्ट्री, ये समर्थ बैच नहीं है। मैंने बताया था थंबनेल पुराना लग गया है, मैं उसको हरे रंग का थंबनेल बना दूंगी। आज पैकेजिंग अलग है अपनी, आज अपनी पैकेजिंग अलग है, बट अंदर मामला फास्ट ट्रैक वाला ही है, ठीक है, फास्ट ट्रैक वाला ही है, ठीक है। पैकेट पे नहीं जाना है, पैकेट पे नहीं जाना है। बड़ी टेंशन हो रही है, क्या ये समर्थ बैच है, क्या ये मेधावी है, क्या ये मंथन है, क्या ये एफटीआर है, एफटीआर यानी कि फास्ट है। बेटा कोई भी बैच हो, टीचर तो वही है, चैप्टर तो वही है, एनसीईआरटी तो वही है। ऐसा तो नहीं कि समर्थ में एनसीईआरटी अलग हो जाएगी, फास्ट ट्रैक की एनसीईआरटी मैम अलग बनाती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। ये 98% बच्चे अभी मेरे साथ हैं, तो ये 2% कौन है, Who are these 2%? बेटा these 2% please try to match my pace. Please try to gain maximum out of this class. This is, मुझे लगता है तुम्हारे पूरे दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे ये 1.5 घंटा होना चाहिए जो तुम मेरे साथ बिताते हो, 2 घंटे होने चाहिए जो तुम सीप मैम के साथ बिताते हो, क्योंकि यहाँ से अच्छी बायोलॉजी लर्न करवाना क्लास में चैलेंज है, कोई नहीं कराता है। कोई बेटा चीजें छोड़ के निकल जाते हैं, टॉपिक स्किप हो जाते हैं, कहने को वन शॉट होता है लेकिन बेटा उसमें बहुत सारी चीजें ना स्किप हो जाती हैं। लेकिन तुम मैम की यूएसपी जानते हो, चाहे वो वन शॉट हो, चाहे वो डिटेल्ड हो, चाहे वो 10 दिन में कराए, चाहे वो 1 घंटे में कराए, कराएंगे आपको एक एक चीज। चाहे मेरी क्लास कितनी भी देर की हो, आपको मिलेगी पूरी कंटेंट। तो कंटेंट पे बेटा कंटेंट विजयी होता है। अगर आपकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से आपके नोट्स में लिखी हुई है, हो ही नहीं सकता तुम्हारे नंबर कम आए। और बेटा तुम्हारे आज 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 200 भी आ रहे हैं ना, इस 200 को भी बेटा मैं 550 लेकर जा सकती हूँ। बस बेशर्ते इतना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू व्हाट आई से, बिकॉज मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं। मैंने बच्चों को 200 से लेकर 150 से लेकर 500 550 तक लेके आई हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि एम्स आ जाएगा 200 से सीधा, बट मैं ये कहती हूँ कि एक सिंपल डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल सकता है, ताकि तुम्हें अपना साल बर्बाद ना करना पड़े, ईयर ड्रॉप आउट ना करना पड़े। और मैं तुम्हें ड्रॉप आउट करने ही नहीं दूंगी, इसका तुम याद रखना। मेरे साथ लगे रहो, ईच एंड एवरी क्लास लगाइए, यू विल बिकम। अगर आपके बायो में यार 340 से ऊपर आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं मैनेज करा रही हूँ, आई एम गिविंग यू डीपीपीज। सारे क्रैश कोर्स वाले बच्चे मेरे से बेस्ट डीपीपीज बेटा फिजिक्स की आपको मिल रही हैं, बेस्ट डीपीपीज केमिस्ट्री की। वो मेरा डाउट सॉल्विंग वाला बेटा वो थोड़ा सा भाग गई, आई एम अरेंजिंग समवन हु कैन ऑल्सो सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तुमको ला कर दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ला कर दूं। कंटेंट तो तुम्हें दे दिया है, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द पर्सन जो कि आपकी थोड़ी सी डाउट्स भी हैंडल कर ले। बायो के तो मैं करवा ही रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ, राइट बेटा। बट कोई बात नहीं, हमारे साथ बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हमारी बड़ी सी क्लास है, इसमें छोटी छोटी बातें कई बार हो जाती हैं, तो वो अपने को घबराना नहीं है। एक और खुशखबरी मुझे तुम्हें देनी थी, दे दूं अभी, दे दूं? हाँ, खुशखबरी ये है कि दैट आई एम लॉन्चिंग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यू, दे दूं? हाँ जी, बता ही देती हूँ आज, क्योंकि फिर टेस्ट आ रहा है ना, संडे को टेस्ट है उसका। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AITS तो तुमने बड़े दिए हैं, लेकिन आज तुम क्या दोगे सीप मैम के साथ? AITS एक्सक्लूसिवली डिजाइंड बाय मी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम जो जो चैप्टर्स यूनिट्स करते जाएंगे उसका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपका हर संडे दोपहर को 12 बजे होगा। मैंने 2 बजे इसलिए लिखा क्योंकि तुम बड़े सारे और टेस्ट देते हो। हर संडे दोपहर को 12 बजे होगा और मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ इस संडे से। तारीख क्या है इस संडे मैं आपको बता देती हूँ, तारीख क्या है, एक मिनट लेट मी जस्ट चेक। इट इज 12th of Feb, जिस दिन आपका पूरा इकोलॉजी मैंने रखा है। मैंने क्या सिलेबस रखा है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का फुल इकोलॉजी। इस टेस्ट सीरीज में हर बच्चे को, जो बच्चा मेरे से पढ़ाई करता है उसको आकर ये टेस्ट सीरीज देना ही देना है। कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा, आप चाहे प्लस स्टूडेंट हो, आप चाहे क्रैश कोर्स हो, आप कोई भी हो, यू विल अपीयर इन दिस टेस्ट। 1 घंटे का, 100 मिनट्स का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका टारगेट रहेगा 1 मिनट में 1 क्वेश्चन को कैसे भी करना, ठीक है। मैंने टारगेट थोड़ा सा लेजेंडरी रखा है, मुश्किल है, एम्बिशियस है, बट मुझे पता है मेरे बच्चे पढ़ के आएंगे तो वो इस एम्बिशियस टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लिंक अभी बन रहा है, द टीम इज मेकिंग द लिंक एंड द लिंक विल बी प्रोवाइडेड Probably in the evening तक आ जाएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम पर, जिसका नाम है सीप पाहुजा बायोलॉजी, 1,30,000 से अधिक बच्चे हैं, वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। वहीं पे PDF आती, वहीं पे लिंक आएगा, वहां पे सारी मैं इनफैक्ट पूरा स्केड्यूल शेयर कर दूंगी इस हफ्ते का। मैं अभी बता दे रही हूँ, लिंक बनने से पहले ही बता दे रही हूँ, जो टेस्ट होगा फुल इकोलॉजी का होगा, क्योंकि आज अपने बायोडाइवर्सिटी, परसों पोल्यूशन करेंगे, कल आपका यूट्यूब नहीं होगा, परसों पोल्यूशन करेंगे। मैं 1 दिन का गैप दे रही हूँ सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब द बिग लेक्चर्स, बिकॉज लेक्चर्स आर इन बिग साइज, 2 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो परसों पोल्यूशन यूनिट खत्म, यूनिट का आपका टेस्ट रहेगा, यस ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर। शाम तक टीम बना देगी, मैं पूरा लगी हुई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जितने टेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ। आपको ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है, ये देख रहे हो, ऑफलाइन बनाया। ऑनलाइन भी आप टेस्ट देंगे, घंटे का टेस्ट है, देना ही देना है। जितने टेस्ट दोगे, जितने सवाल, देखो मेरा टारगेट है 10,000 बायो के क्वेश्चंस मुझे सॉल्व कराने, कम से कम 20,000 क्वेश्चन तो इसके अंदर है, ठीक है। 20,000 में कितने होते हैं? अगर 24 टेस्ट है, 24 × 100 कितना हो गया बेटा? 2400 क्वेश्चन बेटा इसके अंदर है। बाकी 60 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूं एवरी डे इवनिंग में, और ये टेस्ट सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या टोटल में 10,000 नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे बेटा। इतने टेस्ट अगर हम देंगे तो, इतने टेस्ट देंगे तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। टोटल करके देखो कि 10,000 से ऊपर नंबर जाएगा, और अभी तो अप्रैल मई में बहुत मस्त होने वाला है। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो बेटा इसी बात पे सेशन को कर दो लाइक। हाँ जी, तो कह रहे हैं आउट ऑफ टोटल स्पीशीज जितने डिस्कवर हुए उसमें से क्या आप जानते हैं कि 70% स्पीशीज कौन है? 70% स्पीशीज बेटा और कोई नहीं, कौन है? एनिमल्स हैं। एंड नॉट मोर देन 22% कौन से हैं? प्लांट्स हैं। 22% से ज्यादा आपके प्लांट्स नहीं है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि प्लांट में सिर्फ एल्गी, ब्रायो, टेरिडो इन्होंने मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था एनसीईआरटी को, तो मैं लिख दे रही हूँ टेरिडो, ठीक है, टेरिडो जिम्नो के साथ साथ पता है कौन है बेटा, एंजियोस्पर्म्स है। तो ये सब इन्होंने प्लांट्स में ले लिए हैं और कह रहे हैं 70% जितने डिस्कवर हुए इसमें से एनिमल है, नॉट मोर देन 22% दे आर प्लांट्स। अब कह रहे हैं ये जो 70% एनिमल अपने ने डिस्कवर किए हैं इसका भी 70%, यस ध्यान देना, इस 70% का भी 70% पता है कौन है, इस 70% का भी 70% है आपके इंसेक्ट्स। फिर बेटा एक फैक्ट आता है एनसीईआरटी में, ये कहते हैं जितने आज तक टोटल फंजाई डिस्कवर हुए हैं, जितनी टोटल फंजाई डिस्कवर हुई हैं, दैट इज मोर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेज। फंजाई स्पीशीज आर मोर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेज, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन एंड मैमल। ठीक है जी, फंजाई का नंबर आपके मिलाकर फिश, रेप्टाइल और मैमल को मिलाकर उससे ज्यादा है। ये डेटा आपका एनसीईआरटी है। मैं कोशिश कर रही हूँ हर डेटा को इतने सीमलेस तरीके से लिखवा दूं कि बस आपको नोट्स पढ़ने हो और योर एनसीईआरटी वुड बी रेडी, योर एनसीईआरटी वुड बी रेडी। अब यार आपके सामने आ जाते हैं 3 तरीके के पाई चार्ट। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। जो डेटा बेटा इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ था, ये 70%, 7%, एवरीथिंग, ये मैंने आपको लिखवा दिया। ये देखो यहाँ पर लाइन लिख रहे हैं 7, दैट मींस आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट। क्या मतलब है, अगर बेटा आपके पास टोटल एनिमल्स में से 70% इंसेक्ट है, यानी कि हर 10 में से 7 एनिमल्स इंसेक्ट है। यस, वही तो लिखा हुआ है, आउट ऑफ एवरी 10 आपके 7 जो हैं वो क्या रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे। वही बात है। अब जरा एनसीईआरटी का एक पाई चार्ट खोल लो। ये पाई चार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पाई चार्ट दिए हुए हैं, तीनों में आपका सवाल आ सकता है, तीनों पे सवाल आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इनवर्टिब्रेट की। किसकी बात करते हैं, पहला इनवर्टिब्रेट का दिया हुआ है, फिर वर्टिब्रेट का दिया हुआ है, फिर प्लांट्स का दिया हुआ है। इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, आपको दिख ही रहा है बेटा, सबसे ज्यादा नंबर आपके ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लास इंसेक्टा का है, यानी कि सबसे ऊपर कौन है, इंसेक्ट। हाँ जी, इसका ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद किसका नंबर आता है, अदर एनिमल ग्रुप्स, इसका नंबर आता है। ठीक है, आईओ, अदर एनिमल ग्रुप्स। एंड अदर एनिमल के बाद किसका नंबर आता है, मोलस्का। मोलस्का पता है ना, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, जिनके पास मैंटल होती है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। ठीक है, आईओ, देन बेटा मोलस्का। मोलस्का के बाद नंबर आता है, अगेन ऑर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाते हैं, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, दैट इज क्रस्टेशियन। तो यार इनवर्टिब्रेट का जब अपने ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट, फॉलोड बाय अदर एनिमल्स, देन मोलस्का, एंड देन आपके क्या आ जाएंगे, क्रस्टेशियंस आ जाएंगे। ठीक है, क्रस्टेशियंस आ जाएंगे। अभी मेरे साथ साथ याद कर लो, आईओएमसी, इंसेक्ट, अदर एनिमल्स, मोलस्का एंड क्रस्टेशियंस। देन आ जाइए आप वर्टिब्रेट पे। किस पे आ जाइए, वर्टिब्रेट पे। वर्टिब्रेट पे अपन को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा नंबर किसका है, फिशेस का। उसके बाद किसका है, बर्ड्स का। देखो गलती नहीं करनी, रेप्टाइल नहीं लगा देना है, फिश के बाद किसका है, बर्ड्स का। तो यार इंस्टाग्राम से पहले जो सबकी आदत होती थी वो कौन सी आदत होती थी, एफबी की आदत होती थी, एफबी यानी कि फेसबुक। तो यार फेसबुक से यहाँ पे निकाला है, फिशेस के बाद क्या आते हैं आपके, बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स। अब फेसबुक पे बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा RAM, फेसबुक पर क्या देखे, राम जी देखे। तो कैसे निकालोगे, फेसबुक पर यानी कि फिशेस, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स आए और एम्फीबियन और मैमल्स तकरीबन बराबर हैं, ये तकरीबन बराबर है। लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल अवे। ठीक है, यस, ये तकरीबन बराबर है। तो देखो सबसे पहले फिशेस, देन आए बर्ड्स, देन आए रेप्टाइल्स, और एम्फीबियन और मैमल तकरीबन क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, फेसबुक पर क्या देखा आपने, राम जी देखिए, एफबी राम, एफबी रैम, जो भी कहना चाहो कह लो, कैसे भी याद करना चाहो कर लो, लेकिन आपको याद रखना है फिशेस, बर्ड्स, एफबी, फेसबुक, एंड देन RAM। ए और एम वाले इक्वल हैं, R इज रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड मैमल, एम्फीबियन मैमल बराबर हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की। देन आ जाओ बच्चों किस पे, प्लांट्स पर। प्लांट्स थोड़ा सा याद करने में, देखो मेरे पास तो इसकी कोई खासी ट्रिक है नहीं, ऐसे ही याद करना है इसको, क्योंकि इसकी ट्रिक बनाने में और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। देखिए जब अपने प्लांट्स को देखते हैं, सबसे ज्यादा नंबर बंदा सोचता है कि शायद एंजियोस्पर्म है, बट एक्चुअल में एंजियोस्पर्म नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर किसका है, फंजाई का। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रही हूँ, ऑर्डर मेरे साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, फंजाई। फंजाई के बाद कौन आ रहे हैं, एंजियो। एंजियो के बाद कौन आ रहे हैं, एल्गी। देखते जाओ, एल्गी। एल्गी के बाद कौन आ रहे हैं, मॉस। और जितने मॉस उतने ही आपको क्या दिख रहे हैं, फर्न। और आखिर में कौन आते हैं, लाइकन्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखा आपने सबसे पहले फंजाई, फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म्स, मैं नंबर दे देती हूँ 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 4, ये भी 4 बराबर है दोनों, ठीक है, एंड देन नंबर 5। नंबर लिखना है, नंबर लिख लो, ऐसे याद करना है, ऐसे याद कर लो, अपने सामने स्टडी टेबल के सामने लिखना, स्टडी टेबल के सामने लिखो, कहीं भी लिखो, सवाल यहां से आ सकता है। पहला IUMC, फिर FB पे राम और फिर ये वाला ऑर्डर। यस, क्या फिश खाली माँ बाप रोई ट्रिक, ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, फिश एक बड़ी अच्छी एक बड़ी अजीब सी ट्रिक, एंड इज फन मदर ऑफ लंदन। गलत गलत, ए पहले आ ही नहीं सकता, एफ पहले आएगा बच्चों। एंडी नहीं फंडी लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एंडी नहीं लिखना पड़ेगा, एफ से नाम बनाओ भाई भाई का। फिश खाली माँ बाप रोए ट्रिक, फिश खाली माँ बाप, ये क्या लिख रहे हैं भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स। मेरे को टेलीग्राम कर देना, डीएम कर देना, तो शायद मैं समझ पाऊँ ये कौन सी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंडी वेंडी नहीं आएगा बेटा, सबसे पहले फंडी आएगा, फिशेज आ रही हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा एंजियोस्पर्म है, कुछ बुक्स में फंजाई भी है। ये थोड़ा सा अभी भी ना कंट्रोवर्शियल सा ही है क्योंकि बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है जी। ठीक है, बराबर दिख रहा है, तो कुछ बुक्स में एनजीओ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ऐसा जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट थोड़ा सा फंजाई एनजीओ से ज्यादा है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। ओके बेटा, चलिए अब कहते हैं तुमने इतने बड़े बड़े पाई चार्ट बना लिए, ठीक है, इनवर्टिब्रेट का बना लिया, वर्टिब्रेट का बना लिया, प्लांट का बना लिया, बैक्टीरिया कहाँ है, वेयर इज बैक्टीरिया। इतना बड़ा पाई चार्ट बना के, इतनी सारी चीजें करके आपने बैक्टीरिया कहाँ लिखा है? ऐसे कैसे तुमने माइक्रोब्स को इज्जत नहीं दी? माइक्रोब्स को इज्जत देनी तो बनती है। ऐसा क्यों हुआ कि आपने इसमें माइक्रोब का नाम ही नहीं लिया? वाई? Yes, why you can't? Why you can't calculate the biodiversity of microbes? बताएंगे, बताएंगे बेटा, माइक्रोब का नंबर क्यों नहीं आया? ये बैक्टीरिया वायरस ने क्या कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? है बैक्टीरिया वायरस, इन सब चीजों ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ बिगाड़ा है, उसका नंबर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा आज तक जितने बायोलॉजिस्ट हैं वो श्योर ही नहीं है उसका नंबर कितना है। यस, There are certain reasons. सबसे पहले ये जो अपने बायोलॉजिस्ट हैं ये लोग श्योर ही नहीं हैं कि कितना नंबर है। क्यों? क्योंकि बेटा जिस मेथड से तुमने प्लांट के स्पीशीज काउंट किए, जिस मेथड से तुमने इनवर्टिब्रेट्स काउंट किए, वर्टिब्रेट काउंट किए, वो मेथड माइक्रोब्स पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन में तुम ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि यस इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मतलब पुराने मेथड्स हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन माइक्रोब। ये बैक्टीरिया फंजाई पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेनी स्पीशीज ऑफ माइक्रोब कैन नॉट बी ग्रोन, बिकॉज मेनी स्पीशीज को आप लैब में ग्रो नहीं कर सकते हो। कांट बी ग्रोन इन कल्चर मीडिया इन लेबोरेटरी, लैब में ग्रो नहीं कर सकते। अगर मैं चलो मान लिया लैब पे ग्रो नहीं कर सकते, फिर बंदा आइडिया देता है भैया तुम DNA लेवल पर देख लो कितना बैक्टीरिया है। आप अगर सबका बायोकेमिकल लेवल देखने जाएंगे, देखो मैं आपको बता रही हूँ, बायोकेमिकल या फिर DNA लेवल पर अगर बैक्टीरिया को देखने जाओगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, किताबें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इनकी डाइवर्सिटी नहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको DNA लेवल पर देखोगे एक नहीं दो नहीं मिलियंस ऑफ कॉपीज आपको मिल जाएंगी। इतना एनालिसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि millions of varieties of strains are possible in this diversity of microorganism। तो microorganism का नाम उस पाई चार्ट में इसीलिए नहीं है, वन क्योंकि conventional method सारे इन पे लगते नहीं है, दूसरा बहुत सारे species ऐसे हैं जिनको lab में नहीं grow किया जा सकता, तीसरा अगर आप इसको बायोकेमिकल या DNA लेवल पर देखोगे तो यार मिलियंस ऑफ वेराइटीज निकल जाएंगी, और इतने स्पीशीज को एनालाइज करना, नाम देना, सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए माइक्रोब्स बेटा आपके उस लिस्ट में नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले पैराग्राफ पर आ जाइए। नेक्स्ट आता है इंडिया के बारे में। इंडिया मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर के बाद तुम्हें अपनी इंडिया का पार्ट होते हुए उस पर गर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का टोटल लैंड देखेंगे पूरे पृथ्वी पर, इंडिया के पास सिर्फ 2.4% ऑफ लैंड है। पूरे पृथ्वी पर इंडिया के पास सिर्फ 2.4% ऑफ लैंड है, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी पर इसकी बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? अराउंड 8.1%। यानी कि अपने के पास लैंड तो कम है, लेकिन अपने चार गुना कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी पृथ्वी की डाइवर्सिटी को। है प्राउड की बात कि नहीं है? हमारे पास जगह चाहे कम है, लेकिन वैरायटी खूब है। ठीक है, वैरायटी खूब है यार। अर्थ के पास, पूरी पृथ्वी के पास देयर आर 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। और आपको गर्व होगा ये जानकर कि इसमें इंडिया का भी नाम है। अगर मैं इंडिया का रैंक बताऊं इसमें, तो इंडिया बेटा 8th रैंक पर आती है। कितने रैंक पर आती है? 8वें रैंक पर। तो पूरी पृथ्वी पर टोटल 12 कंट्रीज को मेगा डाइवर्स कंट्रीज बनाया गया है, जिसमें इंडिया जो आती है वो 8th नंबर पे। फर्स्ट कौन आती है? फर्स्ट ब्राजील आती है। देन आपका 8वें नंबर पे क्या आता है? इंडिया आता है। अगर इंडिया के बारे में थोड़ा सा और बात करें, आपको थोड़ा और प्राउड फील कराते हैं। और प्राउड फील कराऊं? हाँ जी। इंडिया की अगर बात करें तो रिकॉर्डेड में अगर हमने देखा तो 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स बेटा इंडिया में रिकॉर्डेड है, एंड इससे जस्ट डबल एनिमल्स रिकॉर्डेड है। जस्ट डबल यानी कि 90,000। देखिए ये के का मतलब होता है 1000। ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम 45K क्या है? के का मतलब होता है 1000, यानी कि 45,000। आई बिलीव आपको इतना पता होगा। और 90,000 स्पीशीज किसके हम अपने ने रिकॉर्डेड किए हैं इंडिया में? एनिमल्स के, यानी कि दिस इज ट्वाइस दैट ऑफ प्लांट्स। डबल है ना? डबल है। अब फिर से बात आई एक साइंटिस्ट की जिसको अपने ने पहले जरा पढ़ा था, दैट इज रॉबर्ट मे। याद आया? हाँ जी, एक साइंटिस्ट अपने ने पहले पढ़ा था रॉबर्ट मे, जो कहते थे 7 मिलियन से ज्यादा अपने पास स्पीशी नहीं है। तो रॉबर्ट मे का जिक्र फिर से आया। रॉबर्ट मे कहते हैं कि उस 7 मिलियन में से अभी 22% ही सिर्फ डिस्कवर हुए हैं, यानी कि टोटल का सिर्फ 22% डिस्कवर्ड है। मतलब 100 माइनस 22 करेंगे 78%। 78 होता है ना? 78% इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे सिर्फ 22% इज डिस्कवर्ड। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिस्कवर हुआ है, यानी कि 78% इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। इसमें ये कहते हैं, ये जो 78% अनडिस्कवर्ड है, इसमें ये कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख स्पीशीज तो प्लांट के हैं जो अनडिस्कवर्ड है, और तकरीबन 3 लाख स्पीशीज एनिमल के हैं जो अभी अपन को डिस्कवर करने हैं। ठीक है, डिस्कवर करने हैं। ओके जी, यस। तो रॉबर्ट मे की कहानी सबको समझ आ गई। मैं बता रही हूँ, मैं आपको किस पैराग्राफ में से पढ़ के बता रही हूँ। यस, अभी हमने ये वाला पैराग्राफ कवर किया है। इस पैराग्राफ में क्या क्या सवाल आ सकते हैं आपके सामने है। इंडिया के पास लैंड कितना है? 2.4%। इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी है? 8.1%। यानी कि जितना लैंड का कंट्रीब्यूशन है उससे 4 गुना हमारे पास डाइवर्सिटी है। टोटल विश्व में पृथ्वी पर कितने मेगा डाइवर्स रीजन है? आप बोलेंगे 12। इंडिया क्या उसमें है? हाँ जी है। किस नंबर पे है? 8th नंबर पर इंडिया भी है। देन कहते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट रिकॉर्डेड है, और उससे डबल 90,000 एनिमल रिकॉर्डेड है। फिर सीन में कौन आ गए? रॉबर्ट में, जिन्होंने बोला था कि 7 मिलियन अपना डाइवर्सिटी है। उन्होंने बोला कि इसमें से टोटल में से 22% डिस्कवर हुआ है, 78% स्टिल अनडिस्कवर्ड, और इसमें से भी 1 लाख एनिमल और 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल अनडिस्कवर्ड हैं। क्या इतना मेरे बच्चों आपको मेरे साथ याद हुआ? यस, मेरे साथ याद हुआ। बिल्कुल होना चाहिए। साथ साथ करेंगे, मेहनत करेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे और जरूर जीतेंगे। अब कहते हैं कि यार इतना डाइवर्सिटी का कहानी अपने ने पढ़ लिया। यस, इतना डाइवर्सिटी का कहानी अपने ने पढ़ लिया। अब बताओ ऐसे कौन, लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है? लैग तो नहीं हो रहा? हाँ, मेरे साथ साथ याद करना है सब बच्चों ने। हाँ जी, इतना डाइवर्सिटी का आपने ने कहानी पढ़ लिया। अब कहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कोई क्या ऐसे स्पेसिफिक रीजन है जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, फिर कोई ऐसा रीजन हो जहां डाइवर्सिटी कम हो? तो बिल्कुल फैक्टर्स हैं। वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट 2 फैक्टर्स, और उसको लिखा गया है अंडर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यस, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कौन से फैक्टर हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। यस, क्या है? लैटिट्यूडनल। थोड़ा सा मैं आपको एसएसटी बता दूं। हाँ जी, आप सबके घर में कई बार ना ग्लोब होता है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के पास वो ग्लोब सा होता है। ये तुम्हारी धरती है। धरती के सेंटर में क्या होता है? इक्वेटर होता है। धरती के सेंटर में भैया ये कौन सी लाइन होती है जो हमारे इंडिया से भी पास होती है, पता ना, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेटर। देन बेटा थोड़ा ऊपर जाते जाओ, ये जो हिस्सा है ये वाला इक्वेटर के जस्ट पास वाला क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। देन थोड़ा सा दूर जाओ, ये होता है टेम्परेट रीजन, ठीक है, टेम्परेट रीजन। देन थोड़ा सा और दूर जाइए, ये होते हैं पोलर रीजन। इतनी एसएसटी आती है सबको, इतनी एसएसटी आती है कि इक्वेटर के नजदीक वाला हिस्सा ट्रॉपिकल, ये वाला, ये यानी कि जो कंट्री ग्लोब में इस जगह पर आ रही है वो कंट्री तो मजे में, बहुत बढ़िया कंट्री है ना, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। जैसे जैसे तुम इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, अगर इक्वेटर से दूर जाओगे तो पहाड़ी इलाका बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, पहाड़ी इलाके पे जाते जा रहे, पोलर पोल्स में तो पहाड़ी पहाड़ है, ठीक है, वहां पर जाते जाते स्पीशी की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तुमको इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रीजन में ही दिखेगी, ठीक है। यानी कि एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मैं यहां बना रही हूं, एज यू गो बेटा जी अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो स्पीशी की डाइवर्सिटी है बच्चों घटाएं या बढ़ाएं, यस, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाओगे स्पीशी की जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी तुमको कहाँ मिली, ट्रॉपिकल रीजन में मिली। इसका एक प्रॉपर लैटिट्यूड है, जैसे डिग्रियों में नापते हैं ना, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो अपने ने मापा ट्रॉपिकल रीजन का लैटिट्यूड, दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ। देखो थोड़ा सा ऊपर गए नॉर्थ में, थोड़ा सा नीचे कहाँ गए, साउथ में आए। तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी तुमको कहाँ दिख रही है, ये फैक्ट है बेटा, फैक्ट है। तो ट्रॉपिक्स जो है वो अपने सबसे बढ़िया हैं, जहां पर तुमको मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है। अगर कोई तुमसे एसएसटी का सवाल पूछ ले कि भैया बताओ ट्रॉपिक्स में यू नो लैटिट्यूडनल रेंज अपनी क्या है, तो तुम बोलोगे 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 कर लो भैया, बेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है जी, डिग्री साउथ। ये वाली जो अपनी लैटिट्यूडनल रेंज है यही आएगी, ये वाली आएगी 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो टेम्परेट के अंदर, ये ऊपर वाला टेम्परेट है, हरे वाला ये भी टेम्परेट है, टेम्परेट के अंदर डाइवर्सिटी कम होगी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, टेम्परेट के अंदर डाइवर्सिटी कम होगी। अब इन्होंने कंपेयर भी कर दिया, इन्होंने क्या किया कि कंट्रीज ले ली, अलग अलग रीजन ले लिया। कौन सा रीजन लिया, कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड, इंडिया, ये सब कुछ बेटा ट्रॉपिकल रीजन में और कुछ क्या है टेम्परेट रीजन में, और कंपेयर किया वहां पर किसको, स्पीशीज ऑफ बर्ड। अब यार जो कंट्री ट्रॉपिकल में पड़ती है वहां पर बर्ड का स्पीशी ज्यादा होना चाहिए, और जो कंट्री टेम्परेट एरिया में पड़ती है वहां पर बर्ड का स्पीशी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यार एक कंपैरिजन जरा ध्यान देना, यहां पर इन्होंने लिया कंट्रीज को, कौन कौन सी लिए, सबसे पहले ली कोलंबिया, देन ली अपनी इंडिया, देन अपने लिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, देन अपने लिए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, यस। कोलंबिया जब अपने ने देखा, ये पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन में। अगर आप मैप देखेंगे, जिसको ज्योग्राफी का बड़ा शौक है बेटा, कोई है ज्योग्राफी लवर, ये पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन में, दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ में ये अपने को पड़ती है। यहां पर जब अपने ने देखा तो यार इसमें 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड थे, 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स थे, ठीक है, अपने ने माप के देखा। देन अपना आता है इंडिया, इंडिया भी किस हिस्से में पड़ती है, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती है, यस, ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती है। इंडिया के अंदर देखा यही बर्ड के स्पीशी कितने थे, 1200 स्पीशी थे। देन देखा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क बेटा पड़ता है टेम्परेट रीजन में, ठीक है, ज्यादा दूर हो गया टेम्परेट रीजन, यानी कि 41 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ, ठीक है, लैटिट्यूड बढ़ गया इसका। एंड यहां पर अपने नोटिस किया कि कितने हैं, 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड है, और ग्रीनलैंड और ऊपर पड़ता है, ग्रीनलैंड में जब अपने नोटिस किया तो यहां पर बहुत ही कम 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। ये डेटा है, ये डेटा आपको याद करना है, मेरे साथ याद करो, कौन सी चार कंट्रीज को लिया, कोलंबिया, इंडिया, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इज अ सिटी, एंड देन आपका ग्रीनलैंड। कोलंबिया सबसे ज्यादा 1400, इंडिया 1200, न्यूयॉर्क 105, और आपके ग्रीनलैंड 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया भैया ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा वैरायटी है और आपके टेम्परेट रीजन में कम है। फिर एक और फिर एक और डेटा लिया गया, ये तो एनिमल्स का था, बर्ड्स का था। अब प्लांट का इन्होंने डेटा लिया। प्लांट में इन्होंने चेक किया, एक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेडोर, इक्वेडोर रीजन। ये ट्रॉपिक्स में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ट्रॉपिक्स में पड़ता है। यहाँ पे 10 गुना ज्यादा, कितना? 10 टाइम्स ज्यादा वेराइटी है स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स की, वैस्कुलर प्लांट्स की एज कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, एज कंपेयर टू मिड वेस्ट ऑफ यूएसए दैट कम्स इन टेम्परेट रीजन। तो यार अपने पास जो एग्जाम्पल है वो बर्ड्स की भी आ गई, अपने पास जो एग्जाम्पल है वो प्लांट्स की भी आ गई। दोनों से अपने को प्रूव हो गया कि ट्रॉपिक्स में जो वैरायटी है वो ज्यादा है और टेम्परेट में जो वैरायटी है वो कम है। क्या बच्चों ये याद कर लिया? बताओ। इट्स टाइम फॉर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या याद हुआ या नहीं हुआ? देखिए चैप्टर डेटा पे है, ये चैप्टर डेटा वाला चैप्टर है। अगर तुम इस चैप्टर में सिर्फ कोशिश करोगे कि मैं बस एनसीईआरटी पढ़ लूं, पढ़ तो लोगे लेकिन ये नहीं समझ आएगा सवाल कैसे आएगा, ये सब यहीं से है, ये नहीं समझ आएगा सवाल कैसे आएगा। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में, पाई चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में उतारना और टीचर के साथ याद करना इस चैप्टर को अति आवश्यक है। मेरे साथ साथ याद करोगे तो हो जाएगा, बाद के लिए छोड़ोगे, हल्के में लोगे इसको तो यार ये भी तुम्हें डुबो के छोड़ेगा। हल्के में नहीं लेना इस चैप्टर को, मेरे साथ साथ याद करिए, अभी के अभी याद करिए, पूरा पूरा चैप्टर याद करेंगे, ठीक है? पूरा पूरा चैप्टर याद करेंगे। देन बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। कौन भूल सकता है TRF को, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको अमेज़न फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हाँ जी भैया, किस कॉन्टिनेंट में आता है ये? किस कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है बच्चों? किस में आता है? साउथ अमेरिका में आता है। अब इसके अंदर कितना प्लांट है, कितना एनिमल है? बच्चों इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको तुम्हें एज इट इज बाय हुक और बाय क्रुक लर्न करना है। यहाँ पर 40,000 स्पीशी किसके हैं? प्लांट के। यहाँ पर 3,000 स्पीशीज किसके हैं? फिशेस के। यहाँ पर 1,300 स्पीशीज किसके हैं? बर्ड्स के। यू हैव टू लर्न बच्चों। यहाँ पर 427 स्पीशी किसका है? मैमल का। और इसके बराबर ही 427, ठीक है, 427 एम्फीबियन है, 427 क्या है? एम्फीबियन है। और बेटा यहाँ पर 378 स्पीशीज किसके हैं? रेप्टाइल के हैं। और 1,25,000 से ज्यादा स्पीशी किसके हैं? इनवर्टिब्रेट्स के हैं। यस, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, याद करनी है। कैसे भी करो, कैसे भी करो, रो के करो, हंस के करो, एक दूसरे को मार धाड़ के करो, कॉलर पकड़ के करो, वैलेंटाइन वाले दिन करो या वैलेंटाइन से पहले याद कर लो, करना तो पड़ेगा ही। और क्या तरीका मैं आपको बताऊं, आप ये डेटा अपने सामने लिख लीजिए। सामने आपके दीवार है, पिन बोर्ड है, वॉशरूम में लिख लो सबसे बढ़िया। बेटा वॉशरूम भर देते हैं जो टॉपर होते हैं, मैं बता रही हूँ। वॉशरूम उनका भरा होता है, क्यों? क्योंकि वॉशरूम में अपने लोग ब्रश करते हैं, वहां जाके कम से कम 3 बारी दिन, 1 बारी हल्के होने जाएंगे, फिर रिलीव होने जाएंगे 4-5 बारी दिन में, है ना? 1.5 लीटर यूरिन भी तो निकालना है। तो जितनी बारी तुम वहां दर्शन दोगे उतनी बारी सामने देखोगे 427 इतने हैं, 378 रेप्टाइल हैं, 40,000 प्लांट है। बारी बारी अनकॉन्शियसली तुम देख रहे हो, सबकॉन्शियसली आप देख रहे हैं और आपको पता नहीं चलता, वो बैक ऑफ द माइंड आपके रजिस्टर हो रहा है, ठीक है? बैक ऑफ द माइंड रजिस्टर हो रहा है। ब्रश करते हुए देखते रहा करो, ठीक है? देखते रहा करो, बट ये बिलीव करना है। अब यार इससे बढ़िया चीज मैं तुम्हें बताऊं, अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, यस, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट में 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशी तो अभी वेट कर रहे हैं। सोचो, इतने स्पीशी डिस्कवर कर लिए। साइंटिस्ट का अभी भी मानना यह है कि 2 मिलियन स्पीशी तो अभी वेट कर रहे हैं टू बी डिस्कवर्ड। बेटा कल को तुम साइंटिस्ट बन गए ना, गलती से साइंटिस्ट बन गए, तो मैं बता रही हूँ बेटा, पेपर लिखना है, डिस्कवरी करनी है, तो साउथ अमेरिका चले जाओ, रेन फॉरेस्ट में चले जाओ और वहां पर जो अनडिस्कवर्ड स्पीशी है उनको डिस्कवर करो और अपने नाम के आगे लिखाओ, आई एम डिस्कवरर ऑफ 10 इंसेक्ट स्पीशीज, 20 इंसेक्ट स्पीशी। क्योंकि यार 2 मिलियन अभी बचे हैं, तुम्हारा इंतजार है बेटा अमेज़न को। यस, अमेज़न नीड्स यू, अमेज़न नीड्स यू। तो तुम लोग इंसेक्ट स्पीशी डिस्कवर करना। तो अल्टरनेट करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर नहीं बने, वैसे तो मैं बना के छोड़ूंगी तुमको, मैं बना के छोड़ूंगी तुमको डॉक्टर, बट अगर तुम मेरे हाथ से बच के निकल गए, ठीक है, तुम डॉक्टर नहीं बने तो तुम रिसर्चर बन जाना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा टारगेट एरिया क्या है। तुम्हारा टारगेट एरिया अमेज़न में जाना और वहां पे 2 मिलियन में से बस 2 स्पीशी भी डिस्कवर कर लोगे। 2 स्पीशी बेटा डिस्कवरर हो जाओगे तुम, किताबों में नाम आएगा। ठीक है, यस। चलिए, अब इतनी कहानी अपने ने पढ़ ली कि ट्रॉपिकल बेहतर है, ट्रॉपिकल में स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा है। रीजन तो दो, ठीक है, रीजन दीजिए क्यों, ऐसा क्यों है, वाई ट्रॉपिक्स आर हैविंग मोर अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। इसके लिए मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 रीजन बताऊंगी। सो वाई ट्रॉपिक्स, वाई ट्रॉपिकल रीजन हैज मोर डाइवर्सिटी। यस बच्चों, क्यों भैया ट्रॉपिकल रीजन की डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा है। पहला रीजन कि यार ये जो धरती, ये इधर देखिए, यहाँ पर जो सनलाइट है इक्वेटर पे वो सीधी पड़ती है। आपको पता है इक्वेटर पे जो सनलाइट है बिल्कुल सीधी आती है, ज्यादा पड़ती है। और ये जो टेम्परेट है, टेम्परेट पे सनलाइट टेढ़ी आती है, स्लांट होके आती है। तो जिस जगह पर सीधी सनलाइट आ रही है वहां के प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो यार आपका डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे कहाँ थे हम? यस, तो सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पर सनलाइट भर भर के है, इसी वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मोर, प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी आपकी, ज्यादा रहेगी। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। फिर बेटा नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस नहीं होती। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो लेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बिल्कुल भीषण गर्मी वाला हो जाता है, 60 डिग्री चल रहा है या फिर बिल्कुल ही -10 डिग्री चल रहा है। नहीं, एक प्रेडिक्टेबल सा रेंज है, उसी रेंज में आपका टेम्परेचर चलता है, यानी कि अनडिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्बेंस नहीं आती कि अचानक से ठंड हो गई, अचानक से गर्मी हो गई, नहीं। एक वार्म क्लाइमेट रहता है बट एक अनडिस्टर्ब्ड रहता है। कैसा है? अनडिस्टर्ब्ड टेम्परेचर है। और फिर एक लाइन आपकी एनसीईआरटी लिखती है, वो कहती है कि जितना ज्यादा अनडिस्टर्बेंस होगी उतना ही बढ़िया क्या होगी, स्पीसीएशन होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा अनडिस्टर्ब्ड एरिया होगा उतनी ही ज्यादा स्पीसीएशन होगी। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लाइन वो लिखते हैं, बहुत बढ़िया लाइन लिखते हैं। लेट मी जस्ट रीड दैट लाइन, स्पीसीएशन वाली। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बता रही हूँ। लाइन है, स्पीसीएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। कि नया स्पीशी बनाने के लिए, स्पीसीएशन क्या होती है, नया स्पीशी बनाने के लिए आपको सिर्फ समय चाहिए, और ऐसा समय चाहिए जिसमें आपकी फ्लक्चुएशन ना हो, चेंजेस ना हो। तो बिल्कुल वो समय मिल जाता है अपने ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि स्पीसीएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और अनडिस्टर्ब्ड टाइम यहाँ पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर स्पीसीएशन, नई स्पीशी का फॉर्मेशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर कोई ग्लेशिएशंस नहीं होती, ग्लेशियर ऐसे मेल्ट नहीं हो रहे, नो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, ना ग्लेशियर बन रहे हैं ना ग्लेशियर बेटा यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं। जबकि अगर मैं टेम्परेट एरिया में देखूं तो डिस्टर्बेंस ज्यादा है, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं वहां पर, सीजन में वेरिएशन ज्यादा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है वहां पर, सोलर एनर्जी भी कम पड़ती है। इसी वजह से अपने ट्रॉपिकल रीजन पे डाइवर्सिटी ज्यादा है और अपने टेम्परेट रीजन पे डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, कम है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, यस। ओके प्रमोद बेटा, फिर आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं बेटा। प्रमोद जी की बहुत ही अजीब गरीब उम्मीदें हैं मेरे से। मेरे से उम्मीद है कि मैं इस क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ा भी दूं, एंड इन बिटवीन पढ़ाते हुए प्रमोद जी जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब भी दे दूं। यहाँ पर 2000 से ज्यादा बच्चा लाइव देखता है एवरी डे। सेशन के बाद यहाँ पर 30,000 40,000 व्यू हो जाते हैं एक दिन में। लेकिन उन हजारों में से इनकी एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि हमें मुफ्त में पूरा डिटेल में एक लाइन पढ़ाई भी जाए और मेरा हर एक डाउट लिया भी जाए। बेटा मैं एक इंसान हूं, मैं एक सुपर इंसान नहीं हूं। ठीक है, मैं एक नहीं, हम महा स्त्री तो नहीं है ना। एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं। मेरे 10 सिर तो नहीं दिए रावण की तरह कि एक सिर से मैं लिख रही हूँ और एक सिर से तुम्हें देख भी रही हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास 2 ही आंखें, या तो नीचे देख सकती हैं या फिर तुमको देख सकती हैं। अगर मैं तुमको देखूंगी तो यार भगवान जाने तुम्हारी सिलेक्शन का क्या होगा। बेटा मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। आपको आपकी इच्छाएं कहीं और पूरी होती हैं, आप वहां जाके कर सकते हैं। मेरी इच्छा ये कहती है मेरे पे से जितना बन पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। आपके डाउट है, डाउट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आस्क अ डाउट फीचर है। नॉट दिस इज नॉट द क्लास फॉर डाउट्स, ठीक है। दिस इज अ वन वे इंटरेक्शन, आई ट्राई टू मेक इट टू वे। आपका नाम आगे बहुत गनीमत है, ठीक है। कल को आपका नाम भी नहीं आएगा क्योंकि आप तो ब्लॉक हो चुके होंगे तब तक, अगर आप ऐसी यहां पर कमेंट्स रखेंगे तो, ठीक है जी। यस, हाँ, जिसको अच्छा लगता है वो रुके और जिसको नहीं अच्छा लगता है वो यहां से अपनी प्रस्थान कर सकते हैं। आपको किसी ने रोका नहीं है। यहां पर बच्चों का ट्रस्ट है, उनको समझ आता है, उनकी एनसीईआरटी रिवाइज होती है, उनके क्वेश्चन बनते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, इसीलिए बच्चा क्लास लगाता है। आपको नहीं आता बेटा आप जाइए ना, जाइए, कौन रोकता है आपको, है ना भाई। यस, हाँ, पहले 2 साल हमने कोई मेहनत नहीं करी और लास्ट के 3 महीने में एक्सपेक्टेशन है हमारी बहुत हाई, बहुत हाई, ठीक है। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है उनके रेगुलर डाउट सॉल्व हो रहे हैं, डीपीपीज मिल रही हैं। आप बेटा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर सच काइंड ऑफ गुड क्वालिटी फ्री सेशंस, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, ठीक है बेटा। यस बेटा, हाँ 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। चलिए, ओपी हो गया उनका, हाँ जी। यस, सेकंड फैक्टर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बाद आता है स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। अगला 10 मिनट मुझे आपका फुल फोकस वाला चाहिए, अगला 10 मिनट बेटा मुझे आपका फुल फोकस वाला चाहिए, ठीक है। स्पीशी एरिया रिलेशनशिप अपने लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आता है एक डंबलडोर के बारे में। आपने वो देखी है, क्या नाम है उसका, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर का नाम है डंबलडोर, पता नहीं कैरेक्टर है या उसका कॉलेज है, मैंने नहीं देखी है। आई जस्ट नो देयर इज समवन कॉल्ड एज डंबलडोर। वैसा ही बेटा स्पीशी एरिया रिलेशनशिप में एक जर्मन नेचुरलिस्ट है, जर्मन नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट है एंड जियोग्राफर है, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर है। उनका नाम है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा डंबलडोर से मिलता हुआ नाम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैरी पॉटर का आपको कंटेक्स्ट दिया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने बताया है कि एरिया का रिलेशनशिप स्पीशी डाइवर्सिटी से कैसे है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ेगा। बड़ा सिंपल है। एक जंगल बेटा 1 एकड़ का है, मान लो 1 एकड़ का है, वहां पे कम स्पीशी दिखेंगे। यही 100 एकड़ का जंगल हो, 300 एकड़ का जंगल हो, वहां स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा दिखेगी। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने रिलेशनशिप बताया स्पीशी का विद एरिया, ठीक है, स्पीशी का विद एरिया। एंड दे एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो यार ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। एक जगह पे अपने ले लेते हैं एरिया, दूसरे जगह पर ले लेते हैं अपने स्पीशी की रिचनेस, स्पीशी की रिचनेस, ठीक है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे अपनी स्पीशी की रिचनेस क्या होगी, बढ़ेगी। दिस इज एक्सप्लेन बाय 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। एक इक्वेशन आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है और एक इक्वेशन क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यार यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाऊं ऐसे, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते हो स्पीशी की रिचनेस भी क्या होती है, इंक्रीज होता है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज लाइक दिस एंड दिस कैन ऑल्सो एक्सप्लेन विद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच इज लाइक दिस, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोनों ही ग्राफ्स, चाहे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, वो यही चीज बताते हैं एरिया बढ़ने पे आपकी स्पीशी की रिचनेस बढ़ती है। अब इन ग्राफ्स की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाली इक्वेशन की, दैट इज s इज इक्वल टू ca की पावर z, 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, दिस इज z। और इसी को स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, दैट इज log s is equal to log c plus z log a. yes, so this is the equation of straight line on graph and this is the equation of rectangular hyperbola. graph का shape भी आपको याद रखना है। this is rectangular hyperbola, rectangular hyperbola and this one is the equation of straight line, जिसमें तुमको पता है s क्या है। s है बेटा जी स्पीशी का रिचनेस। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा z से। ये भैया z नाम का तुमने क्या लिख दिया है, ये z तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो यार अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ z क्या है। z होता है बेटा स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का, इस ग्राफ का स्लोप, या फिर इसको बोलते हैं अपने रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये कहते हैं जितना ज्यादा z होगा, मोर द वैल्यू ऑफ z, मोर विल बी द स्टीपर स्लोप, उतना ही ज्यादा स्लोप क्या होता जाएगा, स्टीपर होता जाएगा। यानी कि मोर z, अगर आपका z हाई है यानी कि आपका जो स्लोप है वो मोर स्टीप होता जाएगा, स्टीपनेस स्लोप की बढ़ती जाएगी, मतलब एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा, और एरिया बढ़ेगा तो स्पीशी का रिचनेस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर z बढ़ा तो लाइन का स्लोप बढ़ेगा, लाइन का स्लोप बढ़ा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो स्पीशी रिचनेस बढ़ जाएगा। तो मोर द वैल्यू ऑफ z, मोर विल बी द स्पीशी रिचनेस। अब यार आपको z की वैल्यू दी हुई है किस लेवल पर, एक तो दी हुई है कंट्री लेवल पर, दूसरी दी हुई है आपकी बड़े लेवल पर, कॉन्टिनेंट लेवल पर। ये कहते हैं कि अगर मैं देखूं एक कंट्री के लेवल पर, सिंगल कंट्री, जैसे अपने ने एक कंट्री ले ली तुमने ब्रिटेन, एक कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया वाला रीजन ले लिया, तो दो रीजन्स अपने लेते हैं, ठीक है, दो लेवल्स पर अपने देखते हैं जेड की वैल्यू। ये टेढ़ा हो गया क्या, सही है, यस, दो लेवल्स पर देखते हैं। पहला लेवल अपने देखते हैं कंट्री लेवल पर। ये कहते हैं कि अगर मैं सिंगल कंट्री के लेवल पर देखूं, जैसे न्यूयॉर्क एक कंट्री में, कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, इस लेवल पर, छोटे लेवल पर देखें, ये लेवल कैसा है, छोटा लेवल है। छोटे लेवल पर अगर तुम देखो तो कहते हैं z की जो वैल्यू है ना वो 0.1 to 0.2 ही रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप। यानी कि तुम ब्रिटेन की बात करो, तुम कैलिफोर्निया की बात करो, तुम न्यूयॉर्क की बात करो, ये छोटा लेवल है, कंट्री लेवल है। कोई भी स्पीशी ले लो, बर्ड ले लो, ह्यूमन ले लो, इंसेक्ट ले लो, एनीवन, रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप, आपका z ज्यादा वेरी नहीं करेगा, 0.1 to 0.2 रहेगा, ठीक है जी। तो कोई भी कंट्री ले लो, कोई भी तुम ग्रुप ले लो। लेकिन अब कहते हैं कॉन्टिनेंट लेवल पे देखो, बड़े लेवल पे देखो। जब तुमने कॉन्टिनेंट के लेवल पर देखा तो हमने देखा z थोड़ा ज्यादा स्टीप हो गया है, दैट इज 0.6 to 1.2 तक जा सकता है, z की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि तुमने कॉन्टिनेंट में एरिया भी तो बढ़ा दिया, जितना एरिया बढ़ाओगे z उतना ज्यादा स्टीप होता जाएगा, उतना ही ज्यादा रिचनेस बढ़ती जाएगी। तो z बढ़ गया बेटा, यानी कि स्लोप क्या हो गया, स्टीपर होगा, ठीक है। बड़ा एरिया लेके लें, जैसे एग्जांपल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जब अपने ने देखा तो हमने वहां पर दो चीजों को स्टडी किया, एक फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूगीवोरस मतलब जो पक्षी फल खाते हैं, ठीक है, फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, दो ग्रुप्स को अपने ने स्टडी किया और अपने ने देखा यहाँ z की वैल्यू पता है कितनी है, 1.15 बढ़ गई। देखो 0.2 में है बट अंतर है, छोटे लेवल पर देखा तो 0.1 to 0.2, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया तो वो 1.2 तक गए अपने। और इसका एग्जाम्पल अपने लिया टीआरएफ में जब अपने z की वैल्यू देखी तो 1.15, जितना z ज्यादा उतना स्लोप स्टीप, जितना स्लोप स्टीप उतना एरिया ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा उतनी स्पीशी की रिचनेस ज्यादा। बात समझे बच्चों? यस बच्चों, ये डेटा है, ये डेटा मेरे साथ नहीं समझोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है, याद नहीं होगा। एवरीवन विद मी, फटाफट से सेशन को लाइक करके बताओ, फटाफट से मेरे बच्चों सेशन को लाइक करके बता दो। यस, चलो आगे चलते हैं अपने डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट पे। दो बंदों का एक्सपेरिमेंट बताऊंगी, देखो तीन बंदों के नाम है यहाँ पे, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, देन डेविड टिलमैन एंड देन पॉल एहरलिक। इसको तो नाम बड़ा अजीब है, पॉल एहरलिक, तीन बंदों के नाम हो गए। हमने एलेक्जेंडर वॉन के बारे में बात कर ली कि यार इसने क्या क्या क्वेश्चन थी। अब बात करेंगे डेविड टिलमैन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? डेविड टिलमैन के बारे में, ठीक है। डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने ना अलग अलग प्लॉट्स लिए एंड किसी प्लॉट में स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा थी, किसी प्लॉट में स्पीशी डाइवर्सिटी कम थी। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने मान लो प्लॉट लिए, दिस इज प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, अलग अलग प्लॉट लिए, प्लॉट 1 और ये था प्लॉट 2। प्लॉट लेते हैं ना घर बनाने के लिए, वैसे इन्होंने प्लॉट लिए। ये जो प्लॉट नंबर 1 था, यहाँ पर जो स्पीशी का डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, और इस वाले प्लॉट में जो स्पीशी का डाइवर्सिटी है वो क्या था, कम था, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस क्या किया, ध्यान देना बेटा टिलमैन की बातें, इन्होंने नोटिस किया कि भैया जिस वाले प्लॉट में स्पीशी का डाइवर्सिटी ज्यादा है वो वाला इकोसिस्टम थोड़ा ज्यादा स्टेबल लग रहा है एज कंपेयर टू जिस प्लॉट में स्पीशी का डाइवर्सिटी कम है। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि यार प्लॉट वन में स्टेबिलिटी जो है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्लॉट टू। प्लॉट टू से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? प्लॉट वन की है। और क्या नोटिस किया कि जो स्टेबल इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी ना ऑलमोस्ट सेम रहती है। प्रोडक्टिविटी यानी कि मान लीजिए पहले वो 2000 मिलियन टन यील्ड बनाता था, 2000 मिलियन टन। इस 2022 में उसने 2000 मिलियन टन बनाए, 2021 में उसने 1900 मिलियन टन बनाए, 2023 में वो 2100 मिलियन टन बना रहा है। यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। एक में 2000, 1900, 2100, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यानी कि प्लॉट वन के अंदर उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी पर ईयर। मैं वन के नीचे लिख रही हूं, इसका मतलब वन के बारे में बात हो रही है। लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी पर ईयर उसने नोटिस की। और ये भी नोटिस किया कि यार जिस जगह पर स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा होती है उस जगह पर स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो टिलमैन की मदद से अपने को पता चल गया कि यार एक स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है। क्या पता चला अपने को? एक स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में पता चला। तो बता दूं बेटा, टिलमैन ने प्लॉटों में एक्सपेरिमेंट किया और एक स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में पता लगा लिया। तो एक स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है? तो हम लोग प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं एक स्टेबल इकोसिस्टम की। एक स्टेबल इकोसिस्टम वो है जिसमें वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। मान लो बेटा तुम बिस्कुट की फैक्ट्री है तुम्हारी, ठीक है, मैं 2 बिस्कुटों की फैक्ट्री खोलूंगी। हाँ जी, कौन बच्चा बिस्कुट की फैक्ट्री खोलना चाहता है? यस, हु वांट्स टू ओपन बिस्कुट फैक्ट्री इन आवर क्लास? यस, कौन खोलना चाहता है? बिस्कुट फैक्ट्री ओनर्स, बिस्किट, चलो बिस्किट बोल लो। हाँ जी, कौन खोलना चाहता है? 2 बच्चे मुझे फैक्ट्री ओनर्स चाहिए। तो पहला बच्चा मैं उठा रही हूँ यहाँ से, पहला ईमान, बड़ा प्यारा नाम है बेटा आपका, ईमान। वाओ, आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ईमान की फैक्ट्री है और दूसरी फैक्ट्री है अपने पास, ये कैडबरी नाम बड़ा आ रहा है यार, ये कैडबरी। यस, दूसरी फैक्ट्री है अपने पास भारत की, भारत मोंगा, ठीक है। 2 फैक्ट्री ओनर मैंने ले लिए, ईमान और भारत ने बिस्किट की फैक्ट्री खोली। ईमान बेटा, शार्क टैंक चल रहा है आजकल, आपने शार्क टैंक देखा है? आजकल शार्क टैंक चल रहा है, शार्क टैंक में बातें होती हैं। कितने बच्चों ने शार्क टैंक देखा है एक बारी भी, मतलब कोई भी एक आपने फुल एपिसोड देखा हो? यस, कितने बच्चों ने शार्क टैंक देखा है? तो मैं शार्क हूं, ठीक है, आज मैं शार्क हूं और मेरे पास ईमान और भारत आए अपनी फैक्ट्री के लिए वो मांगने, क्या मांगने? पैसे मांगने, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए आए। 67% ने शार्क टैंक देखा है, मतलब कभी तो देखा है पिछले सीजन में या इस सीजन में। चलो 50% ने देखा, बाकी तो यार चलो कोई बात नहीं। शार्क टैंक एक ऐसा एपिसोड है जहां इन्वेस्टर बैठते हैं एंड द एंटरप्रेन्योर्स, द स्टार्टअप entrepreneurs, they come and they ask for investment कि मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मान लीजिए ईमान और भारत ने बिस्किट की फैक्ट्री खोली है और सीप पहुजा नामक शार्क, ठीक है, मैं शार्क हूं तुम्हारे कंपैरिजन में, ये मेरे से मांगने आए हैं इन्वेस्टमेंट। तो मैंने पूछा ईमान और भारत आप अपनी सेल्स बताइए, ठीक है, उसमें जनरली ये पूछते हैं आप अपने फाइनेंशियल ईयर्स की सेल बताइए। तो ईमान ने क्या बताया? ईमान ने बताया कि 2021 में मैंने कुल 20 पैकेट्स ऑफ बिस्किट ट्वेंटी पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाए, ठीक है। फिर 2022 में मेरी सेल्स बढ़ गई, 2022 में 20 की जगह मैंने 22 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाए, ठीक है। फिर FY 2023 में मेरा प्रोजेक्शन क्या है? ईमान कहते हैं मेरा प्रोजेक्शन है कि इस साल मैं 25 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाऊंगा, ये ईमान ने पिच किया। फिर भैया भारत का नंबर आया, मैंने पूछा भारत आप बताइए अपनी सेल्स, आपकी क्या सेल्स है? भारत ने बोला कि 2021 में मैंने 10 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाए थे, लेकिन 2022 में मेरा जो बिस्किट का प्रोडक्शन है वो अचानक से 2 पैकेट हो गया और 2023 में मेरा बिस्किट का प्रोडक्शन 15 पैकेट हो गया। तो भैया ये क्या है, पहले आपने 10 पैकेट बनाए, फिर आपने 2 बनाए, फिर आप 15 बना रहे हो। यानी कि प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन किसकी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन किसकी ज्यादा है। अगर आप देखोगे ईमान के अंदर जो प्रोडक्टिविटी इन वेरिएशन है, प्रोडक्टिविटी इन वेरिएशन है वो क्या है, कम है। ईमान में प्रोडक्टिविटी इन वेरिएशन कम है, लेकिन भारत की वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो मैं बोलूंगी भारत जी आप मुझे स्टेबल कंपनी नहीं लगते हो, कभी आप 2 पैकेट बनाते हो, कभी आप 15 पैकेट बनाते हो। ईमान की कंपनी मुझे ज्यादा स्टेबल लग रही है। वही बात आ जाती है इकोसिस्टम में, तो डेविड टिलमैन ने बोला वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है जिसकी वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी लेस है। वेरिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी स्टेबल नहीं है, नहीं तो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है। तो पहला पॉइंट आता है, बात समझ आई, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी पर ईयर इज लेस, लेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि ईमान की कंपनी में वेरिएशन कम है तो यार वो कंपनी स्टेबल है, भारत की कंपनी में वेरिएशन ज्यादा है तो वो थोड़ी अनस्टेबल कंपनी है। तो मैं अपना पैसा, अगर मुझे 10 लाख भी लगाने हैं, 1 करोड़ भी लगाने, मैं अपना पैसा ईमान की कंपनी में लगाऊंगी, भारत की कंपनी में नहीं लगाऊंगी। ठीक है जी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक इकोसिस्टम स्टेबल तब माना जाता है जब वो तबाही से अपने आप को बचा पाए, यानी इट शुड बी रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंसेस। कोई भी डिस्टर्बेंस आए, कैलामिटी आए, चाहे वो मैन मेड आए या फिर नेचुरल आए, तो एक इकोसिस्टम वो स्टेबल है जो अपने आप को इन तबाहियों से बचा पाए। फिर कहते हैं कि मान लो तबाही आ गई, तुम नहीं बचा पाए, एक इकोसिस्टम वो स्टेबल है जो फिर से खड़ा हो जाए कि कोई बात नहीं, तबाही आई, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंट होना चाहिए, एक इकोसिस्टम रेजिलियंट होना चाहिए टू रीएस्टैब्लिश। कि मान लो तबाही ने सब खराब भी किया, लेकिन एक स्टेबल इकोसिस्टम वो है जो फिर से खड़ा होगा और कहेगा कि गैया मैं फिर से सारे इकोसिस्टम को दोबारा से स्टेबल कर दूंगा। एक इकोसिस्टम वो स्टेबल है जिसमें स्पीशी का डाइवर्सिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीशी का डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, और यही उसने प्लॉट से डिस्कवर कर लिया था कि जिसमें स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा है वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट बेटा, एक इकोसिस्टम वो स्टेबल है विच इज रेजिस्टेंट टू एलियन, जिसको एक्सोटिक स्पीशी बोलते हैं, एक्सोटिक स्पीशी इन्वेजन। देखो घर वाली बाहर वाली का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, घर वाले बाहर वाले का कॉन्सेप्ट है। भैया एक इकोसिस्टम वो स्टेबल है जो बाहर वाले को अंदर आकर घर को बर्बाद ना करने दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाहर वाली आ गई तो पूरा घर ही बिगड़ गया, नहीं। इकोसिस्टम वो स्टेबल है जिसको बाहर से किसी से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये 5 पॉइंट्स डेविड के उस प्लॉट वाले एक्सपेरिमेंट से आया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बेटा यही है कि स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो यार इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है। वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए, अगर तबाही आ भी गई तो रेजिलियंट होना चाहिए कि फिर से उठ के खड़ा हो जाए, और बेटा बाहर वालों के आने से उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बात समझ आई बच्चों, डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पर खत्म। अब करते हैं एरोप्लेन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एरोप्लेन का एक्सपेरिमेंट किया था पॉल एहरलिक ने। यस, कमिंग ऑन टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉल एहरलिक। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उस हाइपोथेसिस को बोला था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हाँ जी बेटा, कौन पायलट बनना चाहता है? हाँ मैम कहेंगे मैम नीट के लिए पढ़ा रही हैं और कह रहे पायलट कौन बनना चाहता है, क्योंकि पायलट वाली बात आ गई यहाँ पर। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यस, लेट मी शो यू समथिंग। लेट मी जस्ट शो यू। आ रहा 1 मिनट। पॉल एहरलिक का एक्सपेरिमेंट। यस बेटा दिख रहा है, दिख रहा है। सो ये आपका एरोप्लेन है। पॉल एहरलिक ने क्या किया था, पॉल एहरलिक ने क्या किया था? तो भैया आप में से एरोप्लेन पे कौन बैठा हुआ है, कितने बच्चे हु हैज एवर एक्सपीरियंस्ड दिस एरोप्लेन, मतलब आप में से राइड किसने ली हुई है एरोप्लेन पे, जरा बताना। देखो मैं आपको अपना बताऊं, मैंने जो सबसे पहली लाइफ में आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट इन द एज ऑफ 25 ईयर्स, जब मैं 25 साल की थी तब मैं सबसे पहले प्लेन में बैठी थी। मैं तो आपको अपना बता रही हूँ। तो बहुत फैंटेसाइज करते थे हम जब आपकी एज के होते थे। अब तो जमाना थोड़ा बदल गया है, नाउ इट हैज बिकम यू नो अ काइंड ऑफ थिंग जो ऑलमोस्ट हर बच्चा एक्सपीरियंस कर लेता है। लेकिन हमारे समय पे बेटा प्लेन पे बैठना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी। तो जब मैं 25-26 साल की तब मैं पहली बार लाइफ में प्लेन पे बैठी थी। एनीवे, हाँ जी, अच्छा आप आजकल भी जमाना वही है। तो 26% बच्चे प्लेन में बैठ चुके हैं और 74% बच्चे प्लेन में आज तक नहीं बैठे हैं। मेरे जैसा ही हाल है। चलो, जब अपने प्लेन में बैठते हैं ना बेटा, ये प्लेन का बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का है और ये अपने अंदर का है। तो यहाँ पे पॉल एहरलिक ने क्या किया, पॉल एहरलिक ने इकोसिस्टम को कंपेयर किया विद द एरोप्लेन। उसने बोला आप इमेजिन कर लो कि एक एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम, और उसके अंदर जो पेच लगे हुए हैं। देखो एरोप्लेन के अंदर ये जो कुर्सियां हैं, कुर्सियां पेचकस से जुड़ी हुई है, पेचकस, ठीक है। जो उसके पंख है, पंख भी किससे जुड़े हैं, पेचकस से। तो उसने बोला आप इमेजिन करिए कि एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है और उसमें जो पेच लगे हुए हैं वो क्या है, आपके स्पीशीज हैं। इन पेच को इंग्लिश में बोलते हैं रिवेट। क्या बोलते हैं, रिवेट। और ये जो रिवेट है ये आपके एरोप्लेन के अलग अलग भागों को जोड़ते हैं। यानी कि एक एरोप्लेन बनाने के लिए रिवेट चाहिए, जैसे एक इकोसिस्टम बनाने के लिए अपने को स्पीशी चाहिए। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोला कि आप कभी प्लेन में जाते हो, आप अगर कुर्सी के पेच निकालने लग जाओगे तो एरोप्लेन को कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, ये जितने बच्चों ने नो लिखा है, हम बंदे को बड़ा क्यूरियोसिटी तो होती है ना। जैसे हर्षिता है, हर्षिता बैठी एरोप्लेन में उन्होंने जाके अपने आगे वाली कुर्सी के पेच खोल दिए। एरोप्लेन को कुछ हुआ क्या, क्रैश हुआ एरोप्लेन? नहीं हुआ। फिर भैया आयुषी आई, आयुषी ने अपने आगे वाली और पीछे वाली दोनों की सीटों के रिवेट खोल दिए, यानी कि पेच खोल दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरोप्लेन को ये फालतू पेच खोलने से, थोड़े बहुत पेच खोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर कौन आया, फिर आए लीची पावा, लीची नाम का एक बच्चा आया। उसने बोला कुर्सी वुर्सी छोड़ो, मैं जो पेज खोलूंगा वो पंखों के पेज खोलूंगा। उसने एरोप्लेन के विंग्स के पेज खोलने शुरू कर दिए, वो रिवेट खोलने शुरू कर दिए। तब बेटा एरोप्लेन स्टेबल नहीं रहेगा, उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में कुछ स्पीशी ऐसे होते हैं जो की स्टोन स्पीशीज होते हैं, जिनके बिना इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो इसने बोला जैसे एरोप्लेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका पंख वाला हिस्सा है, वैसे एक इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके की स्टोन स्पीशीज हैं। जैसे आप एरोप्लेन के पंखों के रिवेट निकाल दोगे तो एरोप्लेन क्रैश, वैसे ही अगर आप इकोसिस्टम में से की स्टोन स्पीशीज निकाल दोगे, इकोसिस्टम क्रैश। ओके बच्चों, समझ आ गया? हाँ जी। तो रिवेट पॉपर में क्या किया, उसने कंपेयर किया किसको, एक एरोप्लेन को, किससे, एक इकोसिस्टम से। आप इमेजिन करिए एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है और ये जो उस पे पेच लगे हुए हैं, रिवेट्स हैं, ये क्या है, उसमें स्पीशी है। फिर इसने बोला कि यार जो रिवेट विंग पर है, जो पेच इसके विंग पर लगे हुए हैं, वो एक इकोसिस्टम के की स्टोन स्पीशीज हैं। जैसे एरोप्लेन के विंग्स के रिवेट खोलने से एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, वैसे ही एक इकोसिस्टम में से की स्टोन स्पीशीज, जैसे कि लायन एक की स्टोन स्पीशीज है, टाइगर, ग्रे वुल्फ एक की स्टोन स्पीशीज है। प्लांट में देखें तो फिग्स, ठीक है, ये अंजीर, बरगद का पेड़, ये अपने आप में की स्टोन स्पीशीज हैं, ठीक है। अगर आप इकोसिस्टम में से की स्टोन स्पीशीज रिमूव कर दोगे तो बेटा इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि यही की स्टोन स्पीशीज है बैकबोन ऑफ इकोसिस्टम, बैकबोन ऑफ इकोसिस्टम। बात समझ आई, बात समझ आई सबको? सबको समझ आ जाना चाहिए कि पॉल एहरलिक का रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है। तो बेटा जब आप एरोप्लेन में जाएंगे एक्सपेरिमेंट मत करना कि मैम ने बोला था पेज खोलने से कुछ नहीं होगा, हम ना ये क्या कहते हैं, कुर्सी का पेज खोल देते हैं। बेटा अगर आप कुर्सी का पेज खोले हुए पाए गए तो एयर होस्टेस आपके पास आकर, ठीक है, आपको विंग के द्वार से नीचे फेंक देगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करना नहीं है। ये बिल्कुल एक आपको थ्योरी बताई गई थी जो पॉल एहरलिक ने किया है। ये घटना ऐसे लिखा जाता है ना कि दिस इज अ डिस्क्लेमर, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, सो डू नॉट ट्राई दिस ऑन योर फर्स्ट राइड। नहीं तो बेटा फर्स्ट राइड आपकी लास्ट राइड हो जाएगी, एरोप्लेन पे दोबारा बैठने नहीं देंगे। ठीक है, आजकल तो आपको पता है ये केस बहुत चलते हैं। एयर इंडिया केस देखा था, अ मैन, वो तो कोई काफी बड़ी हरकत उसने कर दी थी एंड काफी बड़ा केस चलता है। ठीक है, तो पेचकस खोलने नहीं है वहां पर, जस्ट इमेजिन करना है आपको। चलिए, तो हमने 70% चैप्टर यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट अपने लोग करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये मैंने आपको सारा बता दिया, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस भी आपको बता दिया है, स्टेबल कम्युनिटी भी बता दी है कि क्या होती है डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट से। अब अपने पास आता है बड़ा आसान, सबसे आसान पोर्शन, दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आसान है बेटा, ये क्या है आपका, आसान है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जरा बातें करते हैं। यस, हाँ जी, तो स्पीशीज जो है इनका लॉस होता जा रहा है। ह्यूमन की ग्रीड की वजह से स्पीशीज जो है इनका लॉस होता जा रहा है। और IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ने एक डेटा रिलीज किया है एक रेड लिस्ट की फॉर्म में। इसने अपने को बताया है कि कितना स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुका है, अब उसका एक भी मेंबर नहीं है। कितना स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है जो बस इमीडिएट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाला, गायब होने वाला है, जो इमीडिएट फ्यूचर में गायब होने वाली है। इस लिस्ट ने अपने को बताया एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में जो कि मीडियम टर्म फ्यूचर में गायब होने वाले हैं। इस लिस्ट ने अपने को बताया वल्नरेबल स्पीशीज के बारे में जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ध्यान ना रखा गया तो गायब होने वाले हैं। ठीक है जी, तो यार ये लिस्ट IUCN ने रिलीज की और इसने अपने को बताया कि कितने स्पीशी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कितने एंडेंजर्ड है और कितने वल्नरेबल है। यहां से अपने को पता चला कि पिछले 500 सालों में, देखो बेटा बड़ा ही खतरनाक डेटा है, पिछले 500 सालों में तकरीबन 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 500 सालों में 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 338 जो थे वो वर्टिब्रेट थे। 359 स्पीशीज कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट की एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 500 सालों में। एंड बेटा अराउंड 87 स्पीशीज ऑफ प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये डेटा अपने को याद रखना है, ये याद रखना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस वी हैव टू लर्न, ठीक है, दिस वी हैव टू लर्न। टोटल 784 अपने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इसमें आपको एग्जाम्पल आती है कि कौन कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो तुम बोलोगे सबसे पहला डोडो। डोडो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुए हैं, मॉरिशियस से एक्सटिंक्ट हुए हैं। देन आता है क्वागा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ये कहां से एक्सटिंक्ट हुए हैं, अफ्रीका से। देन आता है थाइलेसिन, ये कहां से एक्सटिंक्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। देन स्टेलर सी काओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैं लिखवा रही हूँ, स्टेलर सी काओ कहां से एक्सटिंक्ट हुई है, रशिया से। देखो स्टेलर सी काओ का ना बहुत मीठा मीट होता था, पीपल यूज टू लाइक इट, इतना खाया कि अब एक्सटिंक्ट हो गया। देन बेटा 3 टाइगर के स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हुए हैं, कौन कौन, बाली, जवान, कैस्पियन, ठीक है, ये स्पीशीज आपके टाइगर के भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको टैबुलर फॉर्म में कि डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, अफ्रीका, नहीं तुम बोलोगे मॉरिशस से। थाइलेसिन कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से। स्टेलर सी काऊ कहां से हुई है, रशिया से। क्वागा कहां से हुआ, अफ्रीका से। 3 टाइगर के स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ, दैट इज बाली, जवान एंड कैस्पियन, ठीक है, बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है जी, चलिए अब कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में, अभी तक तो जो डेटा था IUCN ने रिलीज किया वो 500 सालों का रिलीज किया, फिर कह रहे हैं कि लास्ट 20 इयर्स में आपको पता है 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब एक साल में एक से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अगर 20 साल में 20 होते तो हम बोलते कि एवरेज रेट क्या है, एक साल में एक। यहाँ पर 20 साल में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि एवरेज रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज मोर देन 1 पर ईयर। आप इमेजिन करो बेटा, मोर देन 1 पर ईयर एवरेज चल रहा है, एवरेज चल रहा है। और बेटा पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ये क्या कह रहे हैं, मोर देन 15,500 से ज़्यादा स्पीशी को थ्रेट है, खतरा है किसका, गायब होने का, एक्सटिंक्शन होने का, जिसमें से इस 15,500 में से 12% कौन है? बर्ड। 23% कौन है? मैमल। बेटा बहुत डेटा है इसमें, मैमल। 32% कौन है? एम्फीबियन। इनको खतरा है, इनको खतरा है। और 31% कौन है? जिम्नोस्पर्म्स। इन सबको खतरा है बेटा एक्सटिंक्ट होने का। यस, इन सबको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। ठीक है जी। यस, अब ये कहते हैं कि हमारी अर्थ की उम्र कितनी है। हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, वैसे तो एज ऑफ अर्थ इज समवेयर 4 बिलियन ईयर्स अगो, बट यहाँ पर एज ऑफ अर्थ अपने को दी हुई है इस चैप्टर में मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। अपने 4 BYA लिखते हैं, दैट इज मोर देन 3 ओनली। अब ये कहते हैं कि इस पूरे धरती के पूरे तुम लाइफ देख लो 5 बारी। यस, कह रहे हैं 5 एपिसोड्स आ चुके हैं महा एक्सटिंक्शन के, मास एक्सटिंक्शन के। ऐसे कितने एपिसोड्स आ चुके हैं? 5 एपिसोड आ चुके हैं और छठा चल रहा है, 6th एपिसोड इज ऑन गोइंग। देखो पहले जो 5 एपिसोड आए महा एक्सटिंक्शन के वो तो नेचुरल कैलामिटी से आए, लेकिन अब जो छठा चल रहा है ये तुम कर रहे हो, ये एंथ्रोपोजेनिक है, ये मैन मेड है। और ये कह रहे हैं कि जो 6th एपिसोड चल रहा है इसका इफेक्ट, इसकी स्पीड 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, 100 to 1000 टाइम फास्टर है। समझ गए कि पूरे धरती, मान लो मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी धरती है, इस धरती में टोटल 5 बारी महा एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं। अभी कौन सा चल रहा है? छठा। छठे की स्पीड जो है वो 100 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि पिछली जो एक्सटिंक्शंस थी वो नेचुरल रीजंस की वजह से थी, अब जो एक्सटिंक्शन है वो ह्यूमन करवा रहा है, ह्यूमन की इंटरफेरेंस से हो रही है। और इकोलॉजिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि अगले 100 सालों में तकरीबन 50%, हाफ ऑफ द स्पीशी विल बी एक्सटिंक्ट। अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगले 100 सालों में 50% स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अब देख लो बेटा, ऐसे ही ह्यूमन लालच करता रहा, हंटिंग करता रहा, लॉस होती रही, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती रही, तो यार हम लोग किस जगह पर पहुंच जाएंगे? कुछ बचेगा ही नहीं, अर्थ पर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना बेटा। यस, बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है अपना अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले मैंने आपको डेटा बता दिया, याद हो गया बच्चों डेटा? यस, बस थोड़ा सा ही बच गया, अब आसान पोर्शन बच गए हैं। यस, आसान पोर्शन बच गए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको ये सारा चीजें आपको करा दी हैं। अब कहते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या कॉज है? यस, क्या कॉज है? क्या क्या बच गया? कॉज बचा है और कंजर्वेशन बचा, इन सीटू एंड एक्स सीटू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कर लें। हाँ जी, तो यार मैं आपको 4 कॉजेज बताऊंगी। देयर आर 4 कॉजेज और इन 4 कॉजेज को अपने लोग बोलते हैं इविल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं? इविल क्वार्टेट। सो द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, डाइवर्सिटी लॉस, जिसमें अपने पढ़ेंगे एक इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट, क्वार्ट का मतलब ही क्या होता है? 4। ठीक है, इस इविल क्वार्टेट में अपने 4 लॉस पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला नंबर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस, बड़ी जनरल बातें हैं, एंड फ्रैगमेंटेशन, दिस इज द फर्स्ट कॉज। सेकेंड वन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि जो है तुम उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हो, लालच बुरी बला है वो तुम याद नहीं रख रहे हो, को एक्सटिंक्शन, एक एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज एलियन स्पीशी इन्वेजन, एलियन स्पीशी इन्वेजन। ठीक है जी। यस, तो सबसे पहला कॉज कौन सा है? हैबिटेट लॉस। बच्चों सबसे पहला कॉज कौन सा है? हैबिटेट लॉस, यानी कि जिस जगह पर वो एनिमल या प्लांट रहता था उसका घर ही उड़ा दिया तुमने। जंगल में रहता था, जंगल में बेटा तुम पूरा कन्वर्ट कर दिया तुमने जंगल को क्रॉप फील्ड में। दिस इज कॉल्ड एज हैबिटेट लॉस एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बेटा एनसीईआरटी की पहली लाइन में दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ है। ये कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ड्राइविंग प्लांट एंड एनिमल टू एक्सटेंशन इज हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है पूरा का पूरा जंगल गायब, तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया किसी फील्ड में, किसी क्रॉप फील्ड में अपने फायदे के लिए। जंगल हटाया, वहां पर सोयाबीन के पेड़ लगा दिए, क्यों लगाए? अपने फायदे के लिए। लेकिन तुमने जंगल हटाया तो कितने स्पीशीज गायब करने पड़े, कितने सारे एनिमल्स का जो घर था वो लुट गया। तो यार इस वजह से वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? तभी यार आजकल न्यूज आती है चीता सोसाइटी में आ गया, ये चीता नोएडा की सोसाइटी में घूम रहा है, ये चीता घर में घुस आया। क्यों? क्योंकि उसका घर तुम ले लोगे तो तुम्हारे घर में ही आएगा ना। और अल्टीमेटली बेटा हैबिटेट लॉस से चीजें, उसका घर खत्म हो रहा है। देन वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा जंगल उड़ा दिया, नहीं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जो उनका हैबिटेट था उसमें तुमने घर बना दिया, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, बीच में तुमने ये सब कर दिया तो फ्रेगमेंट हो गए ना, टुकड़े टुकड़े हो गए। बीच में कि जंगल था, बीच में तुम अपना होटल बना दो वहां पर कि मैं आपको जंगल सफारी दिखाऊंगा, तो फ्रेगमेंटेशन तो हो गई। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। चलिए यहीं से करते हैं इसको। सो द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस इज, समझे, is from the TRF, tropical rainforest, one which covers more than 14% of Earth land surface। ध्यान देना है, TRF सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अर्लियर बेटा ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पर लिख के देती हूँ TRF का डेटा। रेन फॉरेस्ट की बात करें, पहले बेटा मोर देन 14% ये कवर करता था, लैंड एरिया कवर करता था। आज सिर्फ कौन गया, यस, आज अगर हम देखें तो सिर्फ 6% रह गया, 6% लैंड रह गया। यानी कि बाय द टाइम यू रीड दिस चैप्टर, जब तक हमें चैप्टर खत्म करेंगे, 100,000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट विल बी कन्वर्टेड। मतलब पहले जो इतना बढ़िया सबसे मेगा डाइवर्स रीजन पूरे विश्व का 14% लैंड एरिया कवर करता था, आज वो 6% कवर करता है। कहाँ जा रहा है? तुम उसे कन्वर्ट कर रहे हो, तुम उसे कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों? ताकि तुम सोयाबीन की कल्टीवेशन कर पाओ, और बेटा ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि वहां पर कैटल, गाय भैंस आकर चारा अपना चर सकें, चारा अपना चर सकें। ठीक है, तो पहले जो एरिया 14% था, आज वो एरिया कितना है? 6% है। और जब तक तुम चैप्टर पढ़ोगे, 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वुड बी लॉस। अब ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो एम ही नहीं बोला गया है, दे आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट। यस, इसको क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ प्लैनेट। और तुमने इसको क्यों कट किया? दो रीजन, पहला सोयाबीन उगाने के लिए, दूसरा ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि ग्रेजिंग में मदद हो पाए। व्हेन लार्ज, ये तो बात होगी हैबिटेट लॉस की, ये तो बात होगी लॉस की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। दिख रहा है बेटा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन अगर अपने देखेंगे, दैट इज व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स दे वुड बी अफेक्टेड। कि अगर तुम उसके जंगल में बीच में रोड बना दो, बीच में तुमने होटल बना दिया, बीच में तुमने एक कैनाल बना दिया, तो यार ये हो जाएगी फ्रैगमेंटेशन, टुकड़े कर दिए। तो ऐसा एनिमल जिसको ज्यादा जगह चाहिए होती है, लार्ज एरिया चाहिए होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, उनकी जो पॉपुलेशन है दैट वुड बी अफेक्टेड, दैट वुड बी अफेक्टेड। ठीक है जी, यस, पता चलेगा, पता चल गया बेटा, पता चल गया। सो हमने हैबिटेट लॉस के बारे में क्या क्या बात की? एक तो टीआरएफ के बारे में बात की। टीआरएफ में अपने ने देखा कि सोयाबीन के पेड़ लगाए इन्होंने, साथ सोयाबीन की कल्टीवेशन की, साथ में इसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, जिससे बेटा आपका जो कवर है वो कम होता जा रहा है। देन अपने ने बात की फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन से फर्क किसको पड़ता है? फ्रैगमेंटेशन से उन एनिमल्स को फर्क पड़ता है जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है, जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए होती है, वो मैमल्स, वो बर्ड्स, वो माइग्रेटरी बर्ड्स, जिनको लार्ज एरिया चाहिए होता है, उनकी पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन होती है। ठीक है बेटा, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। ये क्या बातें कर रही है यार अनुराधा, अनुराधा, अनन्या, गोरखा, क्या नाम है, फलिखा, सचकरण, पता नहीं क्या बातें चल रही हैं भैया, इनकी क्या बातें चल रही हैं। सेकेंड रीजन इन एवर क्वार्टेट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जब तुम्हारी जरूरत लालच में बदल जाए तब हो जाएगी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो स्टेलर सी काउ है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुई रशिया में। डोडो है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए। पैसेंजर पिजन है, अमेरिका से एक्सटिंक्ट हुए। सो डोडो की बात कर लो मॉरिशियस में, स्टेलर सी काउ की बात कर लो रशिया में, पैसेंजर पिजन की बात करिए अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ये सब स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए। नेक्स्ट रीजन आता है एलियन स्पीशी इन्वेजन। ठीक है, बाहर से कोई स्पीशी आया जिसकी वजह से करंट वालों को नुकसान हुआ, उनकी पॉपुलेशन गड़बड़ हो गई, यानी कि न्यू स्पीशी एंटरिंग इनटू ए ज्योग्राफिकल रीजन। बाहर से कोई स्पीशी आया और वहां पर रहने वालों की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहा है, उनको डिसअपियर कर रहा है, दैट इज एलियन स्पीशी। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें नाइल पर्च की, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में। ठीक है, कहां इंट्रोड्यूस किया गया? लेक विक्टोरिया में, जिससे वहां पर रहने वाली 200 से ज्यादा सिक्लिड फिशेस, सिक्लिड फिशेस बेटा ये डेटा है, ये क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। तो बाहर से कोई आया, बाहर से कोई आया और वहां पर रहने वाले की पॉपुलेशन क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। ठीक है जी, यस। देन अनदर एग्जांपल इखोर्निया टेरर ऑफ बंगाल। इखोर्निया टेरर ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, यस। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि बहुत सुंदर इसके कलर्स होते थे, बहुत सुंदर इसकी शेप होती थी फ्लावर्स की, बट यार ये इतनी तेज मल्टीप्लाई करता था, इतनी तेज कि आज के समय पर सबसे खतरनाक वीड बन चुका है, सबसे खतरनाक बेटा वीड बन चुका है। ठीक है, इसकी वजह से भी पानी में बहुत सारे फिशेस के स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। देन एग्जाम्पल आता है पार्थेनियम का, कैरेट ग्रास। पार्थेनियम दैट इज कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास। इसका बेटा एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन हुआ बीट के साथ, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस तो हो गया था एलियन स्पीशी, बट इसकी वजह से भी बहुत सारी एक्सटिंक्शन देखने को मिली। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश इल्लीगल इंट्रोडक्शन किया गया था, एक्वाकल्चर में अलाउड नहीं था, बट अपने ने फिर भी इंट्रोड्यूस किया, एंड अब बेटा जो हमारी असली इंडिजिनियस कैटफिशेस हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। This is causing the extinction of indigenous catfishes, indigenous catfishes. Okay बेटा, तो यार यहाँ पर अपने ने एग्जाम्पल पढ़े कि कौन कौन से एलियन स्पीशी इंट्रोडक्शन से अपना करंट इंडिजिनियस स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है लेक विक्टोरिया का, जिसमें सिक्लिड फिशेज एक्सटिंक्ट हुई। देन बेटा वाटर ह्यासिंथ, लंटाना, पार्थेनियम, इन तीनों का एग्जाम्पल कर लिया। अफ्रीकन कैटफिश का नाम कर लेना क्लैरियस गैरिएपिनस फॉर एक्वाकल्चर, पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिशेस इन आवर रिवर्स। ओके जी, ठीक है। तो इविल क्वार्टेट में तीसरा रीजन हो गया दैट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन। नेक्स्ट आता है को एक्सटिंक्शन, जिएंगे मरेंगे साथ साथ। फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन, टिंक्शन सही लिखा है, ज्यादा लिख दिया, रुक जाओ। यस, को एक्सटिंक्शन, जब एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होता है तो उससे एसोसिएटेड वाला स्पीशी भी क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट हो जाता है। जैसे कि अपने ने पढ़ा फिग और वास्प की कहानी, फिग और वास्प की कहानी कि यार अगर एक एक्सटिंक्ट होगा तो जो उसके साथ ऑब्लिगेशन में जुड़ा हुआ, देखो जो को एवोल्यूट कर रहे थे वही को एक्सटिंक्ट होंगे, कि यार अगर एक भी गायब हुआ, फिग भी गायब हुआ, तो यार वास्प भी जिंदा नहीं रहेगा। जैसे कि फिश और पैरासाइट का रिलेशनशिप, बच्चों फिश और पैरासाइट का रिलेशनशिप, कि यार अगर ये फिश एक्सटिंक्ट हुई तो उस पर रहने वाले एक्टो पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो ये बात हो गई आपकी को एक्सटिंक्शन की। तो जब एक स्पीशी एक्सटिंक्ट होता है तो जो उससे स्पीशी एसोसिएट होता है इन द ऑब्लिगेटरी वे इट ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है जी, दैट इज प्लांट पॉलिनेटर, फिग और वास्प वाली कहानी आ गई। और फिश के ऊपर जो पैरासाइट रहते थे, अगर फिश गायब हुई तो वो पैरासाइट कहाँ जाएंगे? वो पैरासाइट कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, तो ये बात हो गई 4 लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेस, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब कहते हैं कि यार इतना एफर्ट तुमने बता दिया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई, अब बताओ कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, पर क्यों करें? क्या फायदा होता है? क्या फायदा होता है? तो यार ये फायदे बता रहे हैं अपने, वाई टू कंजर्व। सवाल आता है वाई टू कंजर्व, क्यों अपने लोग कंजर्व करें? कोई तो रीजन होना चाहिए, है ना? तो कह रहे हैं हाँ जी, 3 रीजन बताएंगे, 3 रीजन बताएंगे कि एनवायरमेंटलिस्ट इतना काम क्यों कर रहे हैं। बच्चों इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो टेबल बनाऊंगी मैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, आर यू विद मी? यस बच्चों, आर यू विद मी? फटाफट से लाइक करके बता दो। नैरोली यूटिलिटेरियन। देन रीजन आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यस बेटो फटाफट से लाइक करके बताओ, मैं चेक कर रही हूँ। एथिकल रीजंस क्यों कंजर्व करें, क्योंकि मेरे पास तीन बड़े बड़े रीजंस हैं। इतना सब कुछ अपने को इन जंगलों से, इस बायोडाइवर्सिटी से, इस प्लांट से, इस एनिमल से मिलता है, इस वजह से अपने इसको कंजर्व करेंगे। तो पहला नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि अपने को डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, बेटा पॉल्यूशन की क्लास ना, पॉल्यूशन की क्लास अपने परसों लेंगे, मैं पहले बता रही हूँ, कल नहीं होगी, एक गैप दे रही हूँ क्योंकि हमारी काफी लंबी लंबी क्लासेस हो रही हैं, 2-2 घंटे का अपना क्लास ले रहे हैं, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, आई डोंट वॉन्ट यू टू ओवरवेल, ठीक है, आप ऐसे अपने प्रेशर मत लो कि 2-2 घंटे इसका क्लास हो रहा है, ओवरवेल्म नहीं होना है, धीरे धीरे करके करना है। इकोलॉजी का टेस्ट संडे को है, तो कल यूट्यूब क्लास नहीं होगी, कल स्पेशल होगी, समझ रहे हो, तो कल 12 बजे वाली नहीं, कल शाम को 5 बजे वाली क्लास होगी, जिसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज इस लिंक पे जाकर एनरोल कर लीजिए, फटाफट से जाकर एनरोल कर लो। तो कल ये नहीं, पोल्यूशन परसों करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा इस चैप्टर को एब्जॉर्ब कर पाए, खुद भी तो रीड करना ही है, खुद भी तो रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा समय देती जाऊंगी, बिकॉज मैं रियलिस्टिक चीजों में बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं कि आए और 5 घंटे का मैराथन ले लिया, वो मैराथन मेरे लिए ठीक है बट तुम्हारे लिए अभी स्टेज पर ठीक नहीं है। यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। मैराथन का करेक्ट टाइम बेटा पेपर से 20 दिन पहले होता है, अभी नहीं होता है। तो अभी प्लीज अपना टाइम किसी भी मैराथन वगैरह में वेस्ट मत करिएगा, ठीक है, उससे आपका टाइम जाया होता है और आप जो चीज अब कर सकते हो, अभी डिटेल में कर सकते हो, वो नहीं कर पाओगे। ओके जी, चलिए। सो नैरोली यूटिलिटेरियन में अपन कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे डायरेक्ट या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि भैया खाना मिलता है, लकड़ी का इंतजाम होता है, रोटी कपड़ा मकान, यार लकड़ी का इंतजाम होता है पेड़ों से, ठीक है, जिससे हम खाना बनाते हैं। रोटी कपड़ा, यानी कि फाइबर भी मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन घर बनाने के लिए मटेरियल मिल रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, यस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो अपने लोग जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, ठीक है, ड्रग्स मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारी दवाइयां मिल रही हैं। आज के समय पे जो 25% ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, वो कहाँ से निकले हैं, प्लांट से निकले हैं। एंड बेटा देयर आर 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट जिनसे अपने लोग मेडिसिन लेते हैं, तो यार ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है, दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच। इससे अपने को पता लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको कंजर्व करना ना। इतना रोटी कपड़ा मकान बेनिफिट्स, ये जो ड्रग्स हैं, आप जानते हैं तुलसी हल्दी, आजकल तो आयुर्वेदा का कितना ट्रेंड है ना, कितना ट्रेंड है। पतंजलि इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड व्हिच सपोर्ट्स दिस थिंग एंड व्हिच ब्रिंग्स द इंडियन नॉलेज, जो अपने फोकलोर में लिखी हुई है, अपने वेदों में लिखी हुई है, उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ से बेटा धीरे धीरे और भी प्लांट्स ऐसे आएंगे जिनकी मेडिसिनल वैल्यू आगे सामने आएगी। नेक्स्ट आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन अप्रोच। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में अपने लोग करेंगे कि क्यों कंजर्व करें, क्योंकि भैया इकोसिस्टम सर्विसेज अपने को मिलती हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कुछ, ठीक है। तो यहां पर अपने बात करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज का, ठीक है, हाँ योग पीठ की बातें कर रहे हो, यस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है प्लांट से अपन को ऑक्सीजन मिलता है, उसी ऑक्सीजन को हम लोग रेस्पायर करते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। प्लांट्स, अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो यार तभी पॉलिनेशन हो पाएगा, है ना। ये पॉलिनेशन करने के लिए अपने पास मोर देन 80% ऑफ पॉलिनेशन तो एनिमल्स कर रहे हैं। आपको पता है इंसेक्ट से एंटोमोफिली सबसे ज्यादा होती है, तो इंसेक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगी। साथ ही में पॉलिनेशन की हेल्प से ही अपने फ्रूट बनाते हैं, सीड बनाते हैं, तो यार ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोडाइवर्सिटी का। देन बेटा सुंदर भी लगता है, एस्थेटिक प्लेजर, कि जब हम एक जंगल देखते हैं, गार्डन देखते हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल, तो हमारी आंखों को भी एक सुकून मिलता है नेचर के पास जाकर। उसमें वॉक करने के मजे आते हैं, प्लेजर ऑफ वॉकिंग एंड फ्रेश फ्लावर्स को देखने से एक अलग पॉजिटिविटी भी आती है। साथ ही में बेटा फ्लड को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन कंट्रोल होती है, ठीक है, इरोजन कंट्रोल होती है। तो ये बात हो गई आपकी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। बड़े लेवल पर देखें तो यार ये सारे बेनिफिट्स अपने को बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, यस। अब कहते हैं लास्ट रीजन आता है एथिकल रीजन। ये एथिकल रीजन कहता है कि कोई भी एनिमल चाहे तुम्हारे काम आ रहा है चाहे काम नहीं आ रहा, वो यूजलेस नहीं है। नो वन इज यूजलेस, ठीक है, नो वन इज यूजलेस। हर एक को हक है जीने का, हर एक स्पीशी को क्या है, हक है जीने का। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको रिमूव कर दें। हर स्पीशी की क्या है, एवरी स्पीशी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, हर स्पीशी की क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। एंड चाहे वो हमारे डायरेक्ट यूज आए चाहे ना आए, नो वन हैज राइट टू रिमूव देम। तो यार ये तीन रीजंस आ रहे हैं आपकी, पहले नैरोली यूटिलिटेरियन डायरेक्ट अप्रोच, देन ब्रॉडली जिसपे इकोसिस्टम में बहुत फायदे हो रहा है ब्रॉड लेवल पे, एंड देन एथिकल रीजंस की वजह से अपन को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। हर एक की इंट्रिंसिक वैल्यू है। नेक्स्ट आता है एक टर्म जो आपको ध्यान देना है, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग, यस, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि अगर आप किसी भी स्पीशी के इफ यू एक्सप्लोर मॉलिकुलर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशी लेवल डाइवर्सिटी, स्पीशी लेवल डाइवर्सिटी अगर आप एक्सप्लोर करें फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अपने फायदे के लिए अगर आप किसी चीज की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करें अपने फायदे के लिए, अपना फायदा यानी कि कौन सी अप्रोच है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली एथिकल रीजन, तो ये कौन सी अप्रोच आ जाएगी, नैरोली यूटिलिटेरियन अप्रोच आ जाएगी। यानी कि अगर आप अपने फायदे के लिए किसी चीज को एक्सप्लोर करें, यूज करें, उसके जेनेटिक लेवल, उसके स्पीशी लेवल की डाइवर्सिटी को स्टडी करें, ग्रो करें, दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग, अपने फायदे के लिए फॉर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, कौन सी अप्रोच आ जाएगी, नैरोली यूटिलिटेरियन। अब बात आ गई कि यार लॉस हो रहा है, चार रीजंस इविल कोटेड, कंजर्व करना है थ्री रीजंस, क्योंकि ये तीन चीजें मिलती है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली एंड एथिकल रीजन, कैसे करें। अब आता है हाउ टू कंजर्व, लास्ट पार्ट, हाउ टू कंजर्व। हाउ टू कंजर्व में बेटा दो अप्रोच आ जाएंगी, पहली आएगी इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा आता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब होता है कि जहां पर उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर उसे प्रोटेक्शन दे, बाहर आकर नहीं, उसको बाहर मत लेकर आइए, जंगल जहां बना हुआ है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट करें। एक्स सीटू में होता है कि जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है वहां से उठाकर आप कहीं और लेकर आकर उसे प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। यानी कि अगर आप जंगल से उठा के एक एनिमल को जू में ले आए, जंगल से उठा के प्लांट को बोटानिकल गार्डन में ले आए, आप उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर लाए, वो क्या हो जाएगा, एक्स सीटू। लेकिन अगर आप जंगल में ही उसको प्रोटेक्ट करें, नेशनल पार्क बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के, वो हो जाएगा इन सीटू। ठीक है, इन सीटू में बेटा होलसम प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ होल इकोसिस्टम, होल इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि आप वहीं पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां जो जो चीजें होंगी सबको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप टाइगर को बचाने के लिए पूरा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, आपको टाइगर की पॉपुलेशन करनी है, आप टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं तो पूरा फॉरेस्ट को बचाना पड़ जाएगा। तो बड़े लेवल पे जो प्रोटेक्शन होगा वो होगा आपका इन सीटू प्रोटेक्शन, इन सीटू कंजर्वेशन। इसमें अपन लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉटस्पॉट्स, सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, दो चीजों के बारे में स्टडी करना है, हॉटस्पॉट और प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। अब अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बताएं तो यार तीन क्राइटेरिया अगर सैटिस्फाई होंगे तो वो एक हॉटस्पॉट कहलाएगा। ध्यान दे दो बेटा, हॉटस्पॉट वो कहलाएगा जहां पर स्पीशी रिचनेस बड़ी हाई है, ऐसे ही किसी को हॉटस्पॉट नहीं बोलेंगे, जहां पर स्पीशी रिचनेस बहुत हाई होगी वही हॉटस्पॉट कहलाएगा। हॉटस्पॉट वो कहलाएगा जहां पर डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हाई है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, जो सिर्फ वही पाई जाती हैं और कहीं पाई नहीं जाती, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर एक स्पेशल पिक्यूलर टाइप ऑफ स्पीशी है जो और कहीं विश्व में नहीं पाई जा रही है, तो अगर एंडेमिज्म ज्यादा है तो हम उसको हॉटस्पॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है जहां पर थ्रेट भी बहुत ज्यादा है, जहां पर एक्सटिंक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है, उस एरिया को अपने लोग हॉटस्पॉट बना देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है हॉटस्पॉट का, ये किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, यस, हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हम कर रहे हैं हॉटस्पॉट। यहाँ सवाल आ रहा है 11th में नीट दे सकते हैं नहीं दे सकते, है ना, अनुराधा क्यों बोली जा रही है, अपना काम करो आंटी जी, वाह, चेतन के लिए बेटा तालियां तालियां। बेटा अगर वो आंटी जी है तो आप अंकल जी नहीं होंगे, हैं, एंड व्हाट इज सो बैड अबाउट दैट। बेटा आप दोनों, अनुराधा, चेतन और ये जो भी बच्चे लगे हुए हैं, आप दोनों बेटा, लेट मी टेल यू, किसी का नीट नहीं होगा, ऐसे किसी का नीट नहीं होगा। यहाँ हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, यहां हम वो टॉपिक कर रहे हैं जहां से सवाल पूरा चैप्टर में आपको सामने आकर यहां पर करवा रही हूँ। एवरी डे हम इतनी लंबी लंबी क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका एक पॉइंट मिस ना हो। मैं भी बेटा चल के मैं भी फ्लो चार्ट बना के निकल जाती हूँ, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो यहाँ पे आके एक दूसरे को आंटी जी, अंकल जी, दादाजी, नानी जी ये सब करना है आपको। है रिश्तेदारी बनानी है क्या बेटा चेतन? बेटा मेरी क्लास से बाहर जाके रिश्तेदारी बनाइए, यहाँ पर रिश्तेदारी नहीं चलेगी, ठीक है। कौन आंटी है, कौन अंकल है, कौन दादा है, कौन दादी है, कौन मम्मी है, कौन पापा है, ये सब नीट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। नीट में ये पूछा जाएगा जो मैं लिख रही हूँ, जिसपे आपका फोकस नहीं है। तो बेटा आई एम सॉरी टू से बट ऐसे क्रैक नहीं होती है, ऐसे डॉक्टर नहीं बना जाता है, ठीक है। और ये जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी रिएक्शंस हैं, जो आप लिखते हैं, जो आप चैट में लिखते हैं ना, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी डिसरिस्पेक्ट टू अ गर्ल। येस, लेट मी टेल यू चेतन, द वे यू स्पोक इज अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू एनी गर्ल। यू डू नॉट हैव एनी राइट, यू डू नॉट हैव एनी राइट, ठीक है। कोई आपको हक नहीं बनता बेटा इस तरीके से बातें करने का। और ये उस बच्ची से ज्यादा आपके कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन मार्क जनरेट करता है यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर चेहरा नहीं दिख रहा है, आप स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी टाइप करें चलेगा, स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी टाइप कर रहे हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए यही यहाँ पर 2000 बच्चे मेरे सामने लाइव बैठे होते हैं। आप लाइव क्लास में क्या अनुराधा को बोल सकते थे? ये चीज़ नहीं बोल सकते थे ना। सो यार ऐसा कोई काम मत करो जिसके लिए तुम्हें अपने चेहरे पर मुखौटा पहनना पड़े, बचना पड़े, हिडन रहना पड़े। आज तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन है, इसीलिए यू हैव गट्स टू से दिस थिंग। बट अगर यही सामने आ जाओ तब बेटा यही जो गट्सी लोग यहाँ पर ऑनलाइन में ये गलत चीजें लिखते हैं चैट बॉक्स में, यही गट्सी लोग अगर सामने आ जाए ना तो सबसे जल्दी फूंक इन्हीं की निकलती है, सबसे जल्दी हवा इन्हीं की निकलती है। दे डू नॉट नो इवन पी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। यस, यही लोग बेटा पूरी जब सभा में बात होती है ना, 2000 लोगों के सामने बात करने की बात होती है, तब यही लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। जो लोगों को ये चीजें बोलने के लिए एक मास्क पहनना पड़ता है, अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। टुडे योर आइडेंटिटी इज हिडन, दैट्स व्हाई यू हैव गट्स। कम इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल एंड ट्राई टू से दिस थिंग। वहीं पे बेटा एक थप्पड़ ना पड़ा तो बता देना, है ना। तो रिस्पेक्ट कीजिए बेटा, अभी आपकी एज वो नहीं है। इनफैक्ट किसी भी एज में, आपसे छोटा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, यू शुड हैव दिस मच मैनर्स, एटिकेट्स टू टॉक टू अ गर्ल। कहाँ गए चेतन? चले गए, चले गए, हाँ बढ़िया है। हाँ जी, तो अपने लोग पैसा उसी पे लगाएंगे जिसको खतरा है। देखो, हॉटस्पॉट उसी जगह को बनाया जाएगा जहां स्पीशी रिचनेस ज्यादा है, जहां एंडेमिज्म यानी कि एक पर्टिकुलर प्रकार के स्पीशी है जो कहीं और नहीं पाए जाते। दूसरा, जिस पे खतरा है। भैया अगर खतरा ही नहीं है तो क्यों पैसा लगाया जाए? तो पैसा वहीं लगाया जाएगा जहां पर खतरा है। उसी स्पीशी को, उसी एरिया को अपने लोग बनाते हैं हॉटस्पॉट। अगर बात करी जाए हॉटस्पॉट की, तो टोटल वर्ल्ड में नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स पता है कितने? नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स इन टोटल वर्ल्ड आर 34, और 34 में से 3 हॉटस्पॉट तो इंडिया में है। यस, 3 हॉटस्पॉट इंडिया में है। वन इज हिमालय, हिमालयन रीजन, दैट इज अ काइंड ऑफ हॉटस्पॉट क्योंकि वहां रिचनेस भी ज्यादा है, वहां एंडेमिज्म भी ज्यादा है और वहां थ्रेट भी ज्यादा है। सेकेंड इज इंडो बर्मा रीजन, एंड द थर्ड वन इज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में तो आप जान चुके हैं, वहां पर एम्फीबियंस का स्पीशी रिचनेस बहुत ज्यादा है। इन सब में से भी सबसे ज्यादा रिच अगर अपने देखेंगे तो कौन है? हिमालयन एरिया इज द मोस्ट रिचेस्ट ऑफ ऑल। तो यार इन सीटू प्रोटेक्शन करना है तो उस एरिया को क्या बना दो? हॉटस्पॉट बना दो, पहली चीज ये। दूसरा बेटा, इन सीटू प्रोटेक्शन में आप क्या बना सकते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। 3 तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज बेटा अपने लोग बनाते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्रेड ग्रूव, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव, एंड सेक्रेड लेक्स, ठीक है, इस एरिया को प्रोटेक्शन दे सकते हो। देन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यस बेटा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यार नेशनल पार्क में तुमको पता है बोथ फ्लोरा एंड फौना इज कंजर्व्ड। यहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों कंजर्व किए जाते हैं, फ्लोरा भी प्लस फौना भी, ठीक है। यहाँ पर कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई क्रॉपिंग नहीं होती। आप चले जाइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, अंदर सफारी होती है, प्लांट और एनिमल दोनों का कंजर्वेशन है, कोई वहां पर क्रॉपिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, ग्रेजिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। अब तक अगर मैं देखूं तो इंडिया में मेरे पास टोटल 90 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 90 नेशनल पार्क है। देन अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए, यहाँ पर सिर्फ फौना को कंजर्व किया जाता है, यानी कि एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। यहाँ पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी थोड़ी अलाउड है, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ये सब चीजें आपकी अलाउड है। इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा है, अराउंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो पता चल गया नेशनल पार्क में प्लांट और एनिमल दोनों कोई एक्टिविटी नहीं अलाउड है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। देन आता है बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व बेटा एक यूनेस्को का इनिशिएटिव है, उसमें एक प्रोग्राम आया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, बायोस्फीयर प्रोग्राम। बेटा प्रणव को मेरा लिंक ट्री दे दो, बहुत मचल रहे हैं ये, है ना, बहुत उछल रहे हैं चैट में, इनको लिंक ट्री दे दीजिए। हाँ जी, बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर वाला जो जोन होता है दैट इज कॉल्ड एज कोर जोन। चुप कराइए बेटा इसको। यस, फर्स्ट वन इज कोर जोन, देन आपके पास कौन सा आता है? बफर जोन, एंड देन आपके पास कौन सा आता है? ट्रांजिशन जोन। तो पहले हिस्से के बारे में बात करते हैं, दैट इज कोर जोन, दिस वन इज कोर जोन। कोर जोन बेटा सबसे रिच होगा, सबसे रिचेस्ट इन डाइवर्सिटी, रिचेस्ट इन डाइवर्सिटी। यहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। ठीक है जी, ये फ्री जोन है, यहाँ पर रिचेस्ट होगा। देन आ जाइए बेटा हरे रंग वाले जोन में, जिसका नाम है बफर जोन, बफर जोन। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रिसर्च वगैरह के लिए एक्टिविटीज अलाउड है, सम एक्टिविटीज जो कि कंजर्वेशन में ही मदद करेंगी। ठीक है, उस एरिया के कंजर्वेशन में ही मदद करेंगी, जैसे कि रिसर्च करना अलाउड है। ठीक है, कंजर्वेशन से रिलेटेड जो बेनिफिट करेंगी वो एक्टिविटी अपनी अलाउड है। देन तीसरा जोन आता है, इसका नाम है ट्रांजिशन जोन। यस, दिस वन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन जोन, या फिर इसको बोला जाता है रिस्टोरेशन जोन। यहाँ पर काफी एक्टिविटीज अलाउड है, ह्यूमन का घर बनाना भी अलाउड है, ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, ग्रेजिंग अलाउड है, ठीक है, कल्टीवेशन अलाउड है, हार्वेस्टिंग अलाउड है। तो यहाँ पर काफी एक्टिविटीज क्या रहती हैं? अलाउड रहती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व में, वो कर रहे हैं अपने लोग कोर जोन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या हो रहा है? 3 फायदे हो रहे हैं। एक तो यार अपने रिसर्च हो जा रहा है, दूसरा अपने प्रोटेक्शन भी कर ले रहे हैं, और यार कंजर्वेशन डेवलपमेंट पर भी अपना फोकस रहता है। इंडिया के अंदर टोटल बायोस्फीयर अगर देखा जाए, यस, इंडिया का डेटा बेटा लिख लीजिए, 14 बायोस्फीयर है इंडिया के अंदर, टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितने हैं बेटा? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, एंड फर्स्ट वन टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया इज इन तमिलनाडु, दैट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पहला जो है वो इंडिया में कौन सा बना था? नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यस, कितने बायोस्फीयर है? कितने बायोस्फीयर है? 14 बायोस्फीयर है। क्या फर्क पड़ता है प्रशांत? आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है बीइंग ह्यूमन का, ये अभी अटके हुए हैं, मैम आप क्रिश्चियन हो, मैम आप ये हो, मैम आप वो। बेटा बहुत पीछे हैं बेटा, ये कास्ट सिस्टम, ये रिलीजन सिस्टम, यू आर लैकिंग बिहाइंड। वी ऑल आर ह्यूमन्स, यू शुड बिलीव इन दैट, वी ऑल आर ह्यूमन्स बेटा। ठीक है, ह्यूमन्स। देन बेटा तीसरा आता है सेक्रेड ग्रूव और सेक्रेड लेक्स। ये वो एरिया है जहां जिसकी कोई रिलीजियस मान्यता है, रिलीजियस वैल्यू है। ठीक है, वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं करी जाती है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, तो इन सीटू कंजर्वेशन में अपने ने बता दिया हॉटस्पॉट। ये देखिए सेक्रेड ग्रूव बेटा, यहाँ से देखिए, जिसकी कोई रिलीजियस मान्यता है, जैसे इंडिया हैज हिस्ट्री ऑफ, ये भी याद करना, 90 नेशनल पार्क, 448 आपको लिखवा दिया। अब सेक्रेड जिसका थोड़ा यू नो रिलीजियस एस्पेक्ट है, आप मानते हैं उस चीज को। इन मेनी कल्चर ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन देन वर वेनरेटेड एंड टोटल प्रोटेक्शन। सच सेक्रेड ग्रूव्स, ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल ध्यान देना, सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। फर्स्ट एग्जाम्पल, खासी एंड जयंतिया हिल इन मेघालय। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, इसकी भी एक रिलीजियस मान्यता है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय सेक्रेड ग्रूव आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट। तो एग्जाम्पल आपको जो एनसीईआरटी ने दे दिए, सेक्रेड ग्रूव्स मतलब जिसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू बच्चों लर्न। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपकी इन सीटू कंजर्वेशन की। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स सीटू। इसका टेबल बना लीजिए कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा। कल की स्पेशल क्लास में एनरोल कर लिया है। एक्स का मतलब है आप उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसको कहीं और आकर प्रोटेक्ट करेंगे। उठा लो बेटा नेचुरल हैबिटेट। दे आर टेकन आउटसाइड, प्लांट को बाहर लाके बोटेनिकल गार्डन में खड़ा कर दिया, एनिमल को बाहर उतार लेकर जू में लगा दिया। ठीक है, यानी कि आउटसाइड, ऑफ साइड कंजर्वेशन है, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ऐसा कब किया जाता है? ऐसा जनरली तब किया जाता है जब उसको इमीडिएट केयर चाहिए होती है। कोई ऐसा एनिमल है जिसके लिए आप पूरा फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास, उसको इमीडिएट केयर चाहिए। वो एक ही बच्चा है, मान लो कोई एक ही बच्चा है, उसको उठा के फटाफट से अपने पास ले आएंगे आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ताकि आप उसकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा पाए, उसके जीन्स को प्रिजर्व कंजर्व कर पाए। ठीक है, ऐसा तब किया जाता है जब बहुत इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन है। सो डन एज अर्जेंट मेजर, अर्जेंट मेजर कि कोई बस एक्सटिंक्ट होने वाला है, हमारे पास समय नहीं है कि पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करें, फटाफट से उसको उठाकर ले आइए। तो कैसे कैसे करा जा सकता है? सो द मेथड्स आर सबसे पहले तीन मेथड बताऊंगी। सेक्रेड प्लांट्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड देयर हैबिटेट, जैसे तुलसी बेटा प्लांट आजकल हर घर में है, तो आउटसाइड द हैबिटेट आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। होम गार्डन्स है ना, गार्डन में अपने कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाते हैं, वो सब जंगल में होते हैं नेचुरली, बट अपने लोग उसे घर में उगाकर भी एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। सीड बैंक्स, ठीक है, सीड बचाकर आप उसकी बैंकिंग कर रहे हैं। फील्ड जीन बैंक्स। देन -192 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बहुत सारी चीजों की क्या करते हैं? क्रायो प्रेजर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रायो प्रेजर्वेशन। देन द एग्जाम्पल इज बोटानिकल गार्डन, ठीक है, बोटानिकल गार्डन, जू, एक्वेरियम, वाइल्ड लाइफ सफारी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा मैं लिख रही हूं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये आपका एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सीटू, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इज एक्स सीटू। इसमें कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, इसमें बेटा कंफ्यूज आपको करता है एग्जामिनर। ठीक है जी, यस, क्लियर हो गए। हाँ जी, सो लेट मी फटाफट रीड फ्रॉम हियर। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि जू हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया। इन रीसेंट बेटा आजकल जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन बड़े नए तरीके से करी जा रही है। नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रेजर्वेशन। आप थ्रेटेंड स्पीशी के गैमिट्स को प्रिजर्व कर सकते हो, एग्स को फर्टिलाइज कर सकते हो, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हो। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, बेटा टिश्यू कल्चर भी इसी में ही आता है। सीड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सीड बैंक्स। ओके जी, चलिए, तो ये बात हो गई एक्स सीटू की। बस लास्ट पार्ट है बेटा, मुझे पता है आपका टेस्ट है, एक पैराग्राफ बची है, यहाँ से देख लो बेटा। मेरा ना दिल नहीं मानता अगर मैं एक भी लाइन आपकी छोड़ के जाऊं, एक भी टॉपिक मिस करके जाऊं, तो मैं बस आपके 2 मिनट लूंगी। सो बायोडाइवर्सिटी आज के समय पर कोई बाउंड्री नहीं जानती है। हिस्ट्री में द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिस पे सवाल आता ही आता है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील में, रियो डी जनेरो। कब? 1992 में। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स बेनिफिट। ठीक है, तो याद रखना है 1992 में रियो डी जनेरो में अर्थ समिट हुआ था, जिसका फॉलोअप लिया गया था द वर्ल्ड समिट हेल्ड इन 2002। फिर 10 सालों बाद वर्ल्ड समिट के साथ इसका फॉलोअप लिया गया था, कहां पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, जिसमें कितने कंट्री ने प्लेज किया था? 190 कंट्री प्लेज देयर कमिटमेंट कि हम 2010 तक, उन्होंने कसम खाई थी कि 2010 तक अपने रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी को कम करेंगे हर लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर। तो ध्यान दो, अर्थ समिट कब हुआ? 1992 रियो डी जनेरो। देन उसके 10 साल बाद फॉलोअप हुआ वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दैट इज इन 2002, जिसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया कि अगले 8 सालों में 2010 तक हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे लॉस का। यस बेटा, याद हो गया? पहला 1992 अर्थ समिट रियो डी जनेरो, ब्राजील। देन 10 साल बाद 2002 वर्ल्ड समिट, दैट इज जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जिसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 190। क्या कसम खाई कि 2010 तक हम लॉस को बायोडाइवर्सिटी के कम करेंगे। सिंपल 30 चीजें। ओके चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद दिस बेटा जी वी आर डन विद बायोडाइवर्सिटी। पेंसिल ने भी जवाब दे दिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। समझ आ गया तो यार लाइक क्यों नहीं करते हो? फटाफट से सेशन को लाइक करो, आई एम वेटिंग। यस कम ऑन बेटा, फटाफट से सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यस कम ऑन, आपको एक चीज दिखानी है मुझे। यस बेटा कर दिया लाइक। चलिए तो टेस्ट दीजिए क्रैश कोर्स वाले। बाकी बच्चों के लिए मैं बता दूं, एक आपके पास और अमेजिंग ऑफर आ रहा है इस हफ्ते, दैट इज 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक पर इस समय आपको 40% 10 नहीं 40% ऑफ मिल रहा है। कोड क्या लगाना है आपको? SEEPLIVE लगाना है, ठीक है? SEEPLIVE कोड लगाना है, जिसमें सारे क्रैश कोर्सेज, सारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सबके बैचेस, मेरा बैच, किसी का भी बैच आप अटेंड कर सकते हो। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर बेस्ट जो भी ऑफर चल रहा है वो 40%, और मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप क्या कोड लगाएंगे? SEEPLIVE कोड लगाएंगे। बाकी बेटा और जैसे बैचेस भी आ रहे हैं, इन सब में आप मेरे कोड से आ सकते हैं, ताकि आपको ये बैचेस भी दिखें और मेरा क्लास भी दिख पाए। अगर आप कोटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेटा सब कुछ आपके घर पे आपके सामने है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फैकल्टी यू गेट इन प्लस सब्सक्रिप्शन, यू गेट इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, एंड बेटा आप यहीं से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। अब हर चीज पॉसिबल है घर बैठे। बेटा तुम रॉकेट भी बना सकते हो, इंटरनेट में इतनी पावर है। बस इस इंटरनेट को आप पॉजिटिवली यूज करें, तभी आप बेटा उस पावर को एक्चुअली में फील कर पाएंगे। आपने बहुत सारे लोग घर बैठे, यू नो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव बिकम फाउंडर्स ऑफ बिग बिग कंपनी, ठीक है? तो यार हर चीज है इस इंटरनेट के पास, इस यूट्यूब के पास। यूट्यूब से आप क्या नहीं सीख सकते हो? बस बात यह है कि आप यूट्यूब को यूज कैसे करते हो। तो यूज इट पॉजिटिवली। कल हम इस स्पेशल क्लास में मिलेंगे 5 बजे, अपनी स्पेशल क्लास होती है डेली, प्लीज वॉच इट। इसका जो नोट्स है मैं आपको दूंगी अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है? 5 बजे इसकी स्पेशल क्लास रहेगी, और कल पॉल्यूशन नहीं परसों पॉल्यूशन का क्लास होगा, ताकि आप इतने डेटा को एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है जी? सो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक किया करो एंड कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक क्लास को बनाने में, उसकी तैयारी में, उसको डिलीवर करने में। एंड आई रियली विश टू सी द कॉमेंट्स, जो भी आप फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक पे मैं पॉजिटिवली काम भी करती हूँ। हर चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कोई भी डिमांड है आप वो उसको कमेंट्स में लिख के चले जाया करो। मैं कमेंट्स बेटा पर्सनली सारे रीड करती हूँ, ठीक है जी? चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, अगर आप क्रैश कोर्स के बच्चे हैं तो, ठीक है? बाय।